नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारे अपने ऑनलाइन पोर्टल पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस मींस पीएससी क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल की शुरुआत हम लोगों ने यूपी पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम को देखते हुए किया हुआ है, जिसमें हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में पढ़ाकर अपलोड कर रहे हैं और आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का एग्जाम शुरू होने वाला है 25 तारीख से, तो उसी सीरीज में हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन सीरीज चला रहे हैं। और इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में आप हमारा जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज देख सकते हैं। और इस सेशन में हम लोग एयर कंप्रेसर को लेकर आए हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम देखो कोशिश क्या रहेगी कि एयर कंप्रेसर आज हम पढ़ने वाले हैं और इस एयर कंप्रेसर में हम समझेंगे कि एयर कंप्रेसर हमारा क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कहां पे यूज किया जाता है, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, इसका वर्क डन क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप यूज किए जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के एयर कंप्रेसर होते हैं। और ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को लगाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के भी चांसेस इसमें आने के रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने बाद अपने सिलेबस को नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जैसा कि इसके बाद हम लोग तुरंत स्टार्ट कर देंगे गैस टरबाइन। और जब गैस टरबाइन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो गैस टरबाइन के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे एक और हमारा है नोजल। नोजल के बाद फिर हम लोग पढ़ लेंगे आरएसी और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक-एक लेक्चर मैराथन सीरीज में इसको कंप्लीट कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों एक बार हम फिर से बता दें आपको कि मायसेल्फ एसबी पटेल और मेरे पास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लगातार पढ़ाने का 8 साल का एक्सपीरियंस है और वर्तमान में हम 2018 से मतलब 4 साल से अधिक हो गया आईईआरटी प्रयागराज में पढ़ा रहे हैं ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से हिंदी मीडियम में पढ़ाने का हमारा काफी सारा एक्सपीरियंस है, जिसका बेनिफिट आप लोगों को लगातार मिल रहा है और आगे मिलता रहेगा। और हम आगे इस चैनल पे और भी सारे सब्जेक्ट लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर की आप तैयारी करेंगे हमारे साथ में, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग और भी वेल प्लान्ड तरीके से जितने भी सब्जेक्ट आपके होंगे और टीचर्स को जोड़ेंगे और टीम को लगाएंगे, अदर ब्रांचेस को भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है इस पीएससी परिवार को। और आपने देखा कि आज हमारे चैनल पे पीएससी परिवार में एक गेट टुगेदर रखा गया था, जिसमें हम लोगों ने एक मतलब स्पेशल संदेश दिया था और आप सभी लोगों को जोड़ा हुआ था। हमारे लिए हमारे सारे बच्चे चीफ गेस्ट बने हुए थे और आप जाकर देख सकते हो उस वीडियो को, बहुत ही अच्छा वीडियो रहा है, काफी ज्यादा बच्चे जुड़े हुए थे और बहुत सारे चीफ गेस्ट आए हुए थे, बहुत अच्छा लगा था। तो चलिए उस सीरीज को आप जाकर देख सकते हैं और हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कंप्रेसर और कंप्रेसर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब हम पढ़ेंगे आज एयर कंप्रेसर, वायु संपीड़क इसे पढ़ने वाले हम लोग। तो चलिए जितने सभी लोग लाइव आ चुके हैं उन सभी को वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय पीएससी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर चैनल, है ना। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, आकाश चौहान, अभिषेक कुमार, अभिषेक चौहान कह रहे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक प्रतापगढ़, चलिए वेलकम आकाश चौहान जी, है ना। शशिधर, हेलो सर, चलिए शशिकांत, है ना, शशिधर गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, आलोक प्रजापति निदेश, चलिए तो आप सभी लोगों का वेरी गुड इवनिंग। देन डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर हमारा क्या होता है। तो देखिए एक यहाँ पे फिगर बना हुआ है, यही हमारा कंप्रेसर है। और कंप्रेसर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे कि ये हमारा आज का जो है लेक्चर नंबर 30 है और हम स्टार्ट करेंगे इसके पहले आपको कुछ एनिमेशन वीडियोस दिखाने चल रहे हैं बेसिक कंप्रेसर क्या होता है उसको बताकर। देखिए कंप्रेसर जो होता है हमारा, कंप्रेसर यानी कि संपीडक, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं वायु संपीडक। देखिए इसके नाम से ही पता चल जा रहा है डियर कि ये कुछ ऐसी डिवाइस है, ये कुछ ऐसी डिवाइस है जो वायु को संपीडित करेगी, मतलब वायु को कंप्रेस्ड करेगी। तो ऐसी डिवाइस जो वायु के निम्न प्रेशर को कंप्रेस्ड करके उच्च प्रेशर में कन्वर्ट कर दे और एक सिलेंडर में स्टोर कर दे, उस डिवाइस को हम लोग कंप्रेसर बोलते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक सिलेंडर हो जाए, एक सिलेंडर हो जाए, अब इस सिलेंडर के अंदर अगर सपोज करें यहां से एक वाल्व लगा हो और ये ओपन हो, तो जो प्रेशर यहां पे एटमॉस्फेरिक होगा वही प्रेशर यहां पे भी एटमॉस्फेरिक होगा, मतलब वायुमंडलीय दाब जो बाहर होगा वही वायुमंडलीय दाब यहां पर भी होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करें, एक इस तरीके से डिवाइस लगा दें, इस तरीके से डिवाइस लगा दें और ये डिवाइस क्या करें, यहां पे ये जो डिवाइस हमने लगा दिया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट और यहां से एक पाइपलाइन सप्लाई दे दिया है, ये रेसिप्रोकेट करे और नेचुरल एयर को ले आकर इसके अंदर क्या करे, इंटर करे और इंटर करके इसके अंदर का जो प्रेशर है, इसके अंदर का जो प्रेशर है इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक कर दे, तो इसी डिवाइस को हम लोग संपीडक, संपीडक या कंप्रेसर बोलते हैं। अब ऐसा हम करते क्यों हैं, ऐसा इसलिए करते हैं डियर, अब आप कह रहे होंगे सर वायु को ही कंप्रेस्ड क्यों करते हैं। डियर हम वायु के साथ साथ लिक्विड को भी, फ्लूड को भी, हम फ्लूड को कंप्रेस्ड करते हैं। अगर हम बात करेंगे तो जो कंप्रेसर होता है यह क्या करता है, फ्लूड को, फ्लूड को संपीडित,
फ्लूड को संपीड़ित करने के लिए यूज किया जाता है, फ्लूड को संपीड़ित करने के लिए यूज किया जाता है, संपीड़ित करने के लिए, करने के लिए किया जाता है, जिसमें जिसमें फ्लूड का दाब वायुमंडलीय दाब से बढ़ाया जाता है, फ्लूड का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो बेसिकली क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर को इंक्रीज करता है, वही डिवाइस हमारी क्या कहलाती है, कंप्रेसर कहलाती है। अब ये जो फ्लूड की हमने बात कर दी, ये जो हमने बात कर दी फ्लूड की, तो फ्लूड हमने देखे, ये जो फ्लूड, फ्लूड का मतलब हो गया तरल, हर वो चीज जो अपने खुद के वेट के कारण या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण फ्लो करे उसे हम बोलते हैं फ्लूड। फ्लूड बेसिकली अगर हम बात करें यहां पे, तो हर वो चीज जो फ्लो करे खुद के वेट के, जैसे पानी ग्लास में रख लीजिए और ग्लास को तिरछा करिए, तो फ्लूड फ्लो करने लगेगा खुद के वेट के कारण, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेल्फ वेट के कारण फ्लूड फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर आप पंप लगा दीजिए, सक्शन इधर से हो रहा है, पानी को धकेल रहा है, तो पानी फ्लो कर रहा है लेकिन एक फोर्स लग रहा है, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो फ्लो करता है वो भी हमारा क्या कहलाता है, फ्लूड कहलाता है। अब इस फ्लूड की जब कैटेगरी आएगी डियर, तो फ्लूड बेसिकली हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है आदर्श द्रव। हम यहाँ फ्लूड मैकेनिक्स आपको नहीं पढ़ा रहे, हम बता रहे हैं कि हम कौन कौन से फ्लूड पे कंप्रेसर यूज कर सकते हैं। एक होता है आपका आदर्श द्रव और एक होता है आपका रियल द्रव। रियल द्रव का मतलब वास्तविक द्रव। आदर्श द्रव ऐसा द्रव होता है जिसकी श्यानता जीरो होती है, जिसकी श्यानता जीरो होती है, जिसका पृष्ठ तनाव जीरो होता है, जिसकी संपीड़ता जीरो होती है, जिसकी संपीड़ता जीरो होती है, तो ऐसे फ्लूड हमारे आइडियल फ्लूड कहलाते हैं, जिसका सरफेस टेंशन जीरो होता है, जिसका कैपिलरी निग्लिजिबल माना जाता है, ऐसे फ्लूड को हम लोग, हाँ वेरी गुड इवनिंग, चलिए अंकिता श्रीवास्तव, नाइस मैम सर, चलिए थैंक यू मैम, है ना, ऐसे फ्लूड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूड कहते हैं। अब यहां से हम बात करने चल रहे हैं रियल फ्लूड हमारे क्या क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे, ये जो रियल फ्लूड यानी कि वास्तविक द्रव जिसकी संपीड़ता जीरो ना हो, जिसके अंदर कुछ क्या हो, सरफेस टेंशन हो, कुछ कैपिलरी एक्शन हो, रियल फ्लूड कहलाते हैं। यही रियल फ्लूड दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, एवरी टाइप, ऑल टाइप ऑफ गैस आर कॉल्ड फ्लूड एंड ऑल टाइप ऑफ लिक्विड, सभी द्रव, लिक्विड मतलब द्रव, सभी गैस। अब इन गैस में हम लोग यहाँ पे एयर को मेनली कंप्रेस करेंगे, कंप्रेसर में हम लोग किसका यूज करेंगे, एयर को मेनली कंप्रेस करेंगे, क्योंकि एयर हमारा क्या है, लगभग आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। आइडियल गैस का मतलब हाई टेम्परेचर और लो, सॉरी हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे अपने टेम्परेचर को लगभग यूनिफॉर्म बनाए रखती है, और एयर एक प्रकार से इनकम्प्रेसिबल फ्लूड की तरह बिहेव करता है। अगर इन दोनों फ्लूड की हम बात करें, दोनों फ्लूड की बात करें, तो दोनों क्या होंगे, एयर मतलब ये हम बात कर लेंगे गैस प्लस लिक्विड, ये दोनों दो तरीके से बिहेवियर देते हैं डियर। ये दोनों कैसे बिहेवियर देते हैं, दोनों कंबाइंड दो तरीके से बिहेवियर देते हैं। यदि उनके ऊपर एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाए और उनका वॉल्यूम कम हो, जैसे एक सिलेंडर में आप 10 केजी गैस भी भरा लेते हैं और पैसे नहीं रहता है तो 1 केजी गैस भी भरा कर चले आते हैं, तो 1 केजी गैस पूरे सिलेंडर के आयतन को घेर कर रखी है। लेकिन जब आपके पास पैसे ज्यादा आ जाता है तो आप 10 केजी गैस भरवा देते हैं, तो उस समय क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन उतने ही आयतन में गैस कंप्रेस होकर भर जाती है, ठूस ठूस कर भर जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको कंप्रेस कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, कंप्रेसिव और इनकम्प्रेसिबल, यानी कि फ्लूड दो तरीके से होते हैं, कंप्रेसिव और इनकंप्रेसिबल। इसको बोलते हैं संपीड द्रव। अब ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं डियर क्योंकि यही कंप्रेसर में यही तो काम आने वाला है, और ये क्या होगा, असंपीड द्रव, असंपीड द्रव, ऐसा द्रव जिसको हम कंप्रेस करें उसका वॉल्यूम निश्चित रहे,
वो कंप्रेस हुआ नहीं। जैसे एक गिलास पानी को ले लिया और हमने कहा कि साहब ये आधा गिलास पानी भी इसमें ठूस कर भर दो, आप कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर कंप्रेस होगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे जब कंप्रेस करेंगे तो एयर हमारी एक एज ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूड की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो आई थिंक आप यहाँ से समझ गए होंगे कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल क्या होता है। अब इनकम्प्रेसिबल की भी आगे कैटेगरी बहुत सारी है, डायलेटेंट फ्लूड आगे हम लोग पढ़ेंगे आपको, विस्को मतलब स्यूडोप्लास्टिक फ्लूड, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड, रियोपैक्टिक फ्लूड, न्यूटोनियन फ्लूड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, टाइम डिपेंडेंट फ्लूड, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड, बहुत सारी कैटेगरी आपके हेडी है। लेकिन हम फ्लूड मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम थर्मल इंजीनियरिंग में कंप्रेसर पढ़ने चल रहे हैं। तो आई थिंक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि कंप्रेसर में हम एयर प्लस लिक्विड दोनों को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थर्मल इंजीनियरिंग में हम एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए कंप्रेसर हमारा क्या कहलाएगा, एयर कंप्रेसर, जो क्या करेगा एटमॉस्फेरिक एयर को लेगा और एक कंटेनर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर संपीड़ित कर देगा। इसी डिवाइस को हम कंप्रेसर कहते हैं और इसका मुख्य काम ये होता है। हम ऐसा कर क्यों रहे, हमारा दिमाग थोड़ी खराब था, कुछ तो हमें जरूरत थी तभी तो हमने ऐसा किया। और हमने ऐसा इसलिए किया कि जब आपकी बाइक में प्रेशर कम हो गया या बाइक पंचर हो गई तो आपको हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट थी, हाई प्रेशर एयर की रिक्वायरमेंट थी। तो आप कहाँ जाएंगे, जो हवा भर रहा है उसके पास जाएंगे, उससे बोलेंगे सर, सर तो आप नहीं बोलेंगे जनरली ऐसे लोगों को, तो कोई सर, कोई का मतलब मैक्सिमम लोग तो सर नहीं बोलते, उनको लगता है कि आप 10 रुपए के लोगों के यहाँ काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही छोटी मानसिकता वाला आदमी होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और आप जाते हैं उसे डांट कर डपट कर धौंस दिखाकर बोलते हैं ये लो पैसे और हवा डाल दो। तो वो एयर जो डालता है डियर, वो क्या करता है, आपके व्हीकल्स के अंदर जब पंचर हो जाता है तो उसमें व्हीकल्स के अंदर जो प्रेशर होता है वही प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। और याद रखना वो जो होता है वो ब्रिटिश यूनिट में यूज करता है, ब्रिटिश यूनिट यूज करता है। आप बोलते हो सर आपने कितना, सॉरी सर आप तो सर नहीं बोलते, लेकिन हम बोलेंगे कि आपने कितना यूनिट प्रेशर डाला है, तो वो बोलता है हमने अगले पहिए में 32 कर दिया है और पिछले पहिए में 40 कर दिया है। और उसके पास एक इस तरीके का डिवाइस होता है जो ऐसे 0 1 2 3 दिखाता है, कांटा भागता है, तो आप खुश हो जाते हो ये 32 पे आता है, अगला वाला 40 पे आता है, आप उसको 10 रुपए दे के आगे निकल जाते हो। और जो 32 और 40 जा रहा है ये यूनिट होती है FPS, याद रखना आगे से हमेशा। FPS का मतलब ये होता है फुट पाउंड सेकंड यूनिट होती है, फुट पाउंड सेकंड यूनिट होती है। और किसकी होती है, ये ब्रिटिश यूनिट होती है। और जो ये डिवाइस प्रेशर को मेजर करती है ये FPS यूनिट में कितना मेजर करती है, ये जो मेजर करती है 40 PSI, 40 PSI का मतलब होता है पर स्क्वायर इंच, एक इंच में कितना फुट पर स्क्वायर प्रेशर है वो कितना होगा पर स्क्वायर इंच, PSI में प्रेशर आपका मेजर किया जाता है। तो इस तरीके से हम प्रेशर का यूज करते हैं, कंप्रेसर का यूज करते हैं कंटेनर में एयर को कंप्रेस करने के लिए, और उस कंप्रेस्ड एयर का यूज करेंगे व्हीकल्स के टायर्स में भरने के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे, एयर पंप को चलाने के लिए यूज करेंगे, है ना, मशीन में एयर डस्ट वगैरह को साफ करने के लिए यूज करेंगे। बहुत सारी जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। फोर व्हीलर्स में जो टर्बो चार्जर यूज करते हैं, टर्बो चार्जर में जो इंजन लगे होते हैं टर्बो इंजन, वहां पे कंप्रेस्ड एयर को भेजा जाता है। तो उस कंप्रेस्ड एयर को कहां से भेजा जाएगा, पहले कंप्रेसर में कंप्रेस किया जाएगा तब हम भेजेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारा वर्क है आपका किसका, कंप्रेसर का। अब आइए देखने चल रहे हैं कंप्रेसर होता क्या है, वास्तव में इसका एनिमेशन कैसा होता है, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन वर्किंग और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है ना, हाँ चलिए। ये किलर बॉय कह रहे हैं सर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड हुज वॉल्यूम डेंसिटी डज नॉट चेंज विद प्रेशर, यस वेरी नाइस है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अभी तक तो क्लास चलेगी, सर अभी कब तक क्लास चलेगी, एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं सर अभी कब तक क्लास चलेगी। तो डियर ये सिलेबस हमारा जैसे ओवर हो जाएगा मुश्किल से 22 तारीख तक हम लोग इस सिलेबस को कवर कर लेंगे, हमारा पूरा का पूरा टारगेट है 22 या 23 तारीख तक हम लोग इस सिलेबस को कवर कर लेंगे। डेंसिटी डज नॉट चेंज विद प्रेशर, वेरी नाइस, अरे वाह इतने अच्छे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको ऑलरेडी पहले से ही काफी कुछ जानकारी है, तो अच्छा लगता है डियर ऐसे जब आप रिस्पॉन्स करते हैं बताते हैं तो मजा आता है। अब सबसे पहले आइए आपको एनिमेशन वीडियोस दिखा देते हैं कंप्रेसर का क्या होता है। देखिए एक आपने डिवाइस देखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, जैसे आईसी इंजन में हमने पढ़ा हुआ है रोटेटिंग पार्ट जो आपने देखा था, तो यहाँ पे क्या है रोटेटिंग जो हमारे पास सिलेंडर रेसिप्रोकेट कर रहा है, अब ये रेसिप्रोकेटिंग ये रेसिप्रोकेट कर रहा है। देखिए एक वाल्व है, यहां से एयर आ रही है, इधर से क्या हो रही है
एयर आ रही है, जब एयर आएगी तो ये क्या होगा, देखो अगर मान लो ये वाल्व बंद है, ये वाल्व दोनों वाल्व मान लेते हैं बंद है, दोनों वाल्व बंद है, जब पिस्टन नीचे जाएगा तो अंदर कैविटी बनेगी, कैविटी का मतलब खोखलापन बनेगा, खोखलापन बनेगा तो अंदर वैक्यूम बनेगा, वैक्यूम बनेगा तो अंदर क्या होगा, प्रेशर कम होगा, वायुमंडल से कम प्रेशर होगा, तो जो बाहर का प्रेशर है एयर वो ऑटोमेटिक इस वाल्व को क्या कर देगा, यहाँ पे जो वाल्व लगा उसको धकेल कर खोल देगा, तो जब पिस्टन नीचे जाएगा अंदर का प्रेशर कम होगा तो ये वाल्व ऑटोमेटिक खुल जाएगा, देन ये बाहर की वायुमंडलीय हवा अंदर आके भरने लगेगी, पिस्टन जब नीचे तक आ जाएगा, उसके बाद जब पिस्टन ऊपर जाने लगेगा तो ये जो वाल्व होते हैं ये इस तरीके के होते हैं, जब ऊपर जाएगा तो ये एयर ही इसको ऐसे बंद कर देती है, ये एयर का प्रेशर ही इसको बंद कर देता है। अब बंद करने के बाद एक ऑप्टिमम प्रेशर के बाद यहाँ पे एक वाल्व ऐसा लगा होता है कि हाई प्रेशर के बाद ये वाल्व ओपन हो जाता है, देन यहाँ से वो कंप्रेस्ड एयर चली जाती है। अब इसको हम एक कंटेनर होता है, एक कंटेनर होता है और इस कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वर्क करता है। ये है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और ये कंप्रेसर कैसा दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में हमने आपको दिखा दिया एनिमेशन डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं, सर एक बार में ही समझ में आ जाता है, वाह क्या बात है, बहुत खूब सर, चलिए थैंक यू, थैंक यू सर। अभी तक क्लास चलेगी? हाँ हाँ बता दिया, चलिए निखिल वर्मा हेलो सर, चलिए हेलो निखिल जी, है ना, और दिखाते हैं आपको, ये तो हो गया आपका। अब देखिए अगर हम यहाँ पे भी आपको बताएंगे सिंगल स्टेज कंप्रेसर, सिंगल स्टेज कंप्रेसर में केवल एक ही पिस्टन सिलेंडर लगा होगा, अब मान लो कि कम आयतन में कम दाब में हमें एयर को कंप्रेस करना होगा तो सिंगल स्टेज कंप्रेसर लगा लेंगे, अब जो बहुत ज्यादा बड़े कंटेनर की जरूरत पड़ेगी जहां पे हवा डलवाते हैं बाइक वगैरह वहां पे उसके हेड के ऊपर जो कंप्रेसर लगा होता है वो सिंगल स्टेज कंप्रेसर होता है, एक ही रेसिप्रोकेटिंग पंप लगा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट होगी कंप्रेस्ड और वहां पे उसका प्रेशर भी ज्यादा चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे दो सिलेंडर या दो से अधिक सिलेंडर यूज करेंगे, उसे बोलते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर। कैसा होता है वो यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक ये काम कर रहा है, यहां से पहले एयर आएगी फिर बीच में इंटरकूलर लगे होंगे, वहां से एयर ठंडी, क्योंकि एयर को जब कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी कुछ बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आगे जाके हार्मफुल हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं बीच में इंटरकूलर लगा दिए, फिर इंटरकूलर से दूसरे में जाएगी, दूसरे से फिर तीसरे में जाएगी, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे एक कंटेनर लगा लेंगे और इस कंटेनर में वो हमारी एयर आकर कलेक्ट हो जाएगी, तो इस तरीके से ये टू स्टेज कंप्रेसर हो जाएगा। दो से अधिक अगर तीन पिस्टन सिलेंडर लगा लेंगे तो जो इंटरकूलर यहाँ पे एक लगा हुआ है ठंडा करने के लिए, इंटरकूलर कैसा होता है, ये इंटरकूलर ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, देखिए एक तरफ से कोल्ड, देखिए एक तरफ से वाटर अंदर जाता है और एक तरफ से वाटर आउट होता है, ये सिंपल सा कंडेंसर की तरह वर्क करता है, हीट एक्सचेंजर की तरह वर्क करता है। ट्यूब के अंदर क्या होता है कोल्ड एयर आती है, कोल्ड वाटर आता है और कोल्ड वाटर बाहर चला जाता है, और जो कंप्रेस्ड एयर है ये इसके बाहर की सरफेस से जाती है, उस ट्यूब की सरफेस को टच करती है आगे निकल जाती है, तो जिससे क्या होता है जब सरफेस को टच करती है तो ये सरफेस टाइप कंडेंसर की तरह वर्क करने लगता है, एयर का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, यहाँ पर इसमें एयर का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, फिर सेकेंड कंडेंसर में जाता है, सेकेंड कंप्रेसर में जाता है, ये कंप्रेस करके फिर इसको इसके अंदर भेज देता है। अगर दो स्टेज लगे हैं तो एक इंटरकूलर लगा होगा, अगर स्टेज तीन कर देंगे तो इंटरकूलर संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, तीन कर देंगे तो दो हो जाएगी, अगर चार स्टेज कर देंगे तो तीन इंटरकूलर लग जाएंगे, तो इस तरीके से आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर कैसे वर्क करता है। आगे बात करते हैं, ये केवल हम आपको दिखा रहे हैं, वास्तव में जो कंप्रेसर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो यूनिट आपको दिखाता है यहाँ पे, ये जो यूनिट दिखाता है ये किसमें दिखाता है, PSI, PSI का मतलब होता है पर स्क्वायर इंच। एक कंटेनर होता है, ऊपर आपके पास मोटर लगी है, इस मोटर को बोलते हैं प्राइम मूवर। ये प्राइम मूवर का मेन फंक्शन होता है इसको जो हमारे पास जो कंप्रेस्ड एयर को भेज रहा है अंदर, ये कंप्रेसर को यानी कि इस मोटर को ऑपरेट कराने, इस पंप को, रेसिप्रोकेटिंग पंप को ऑपरेट कराने के लिए प्राइम मूवर की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारा हो गया प्राइम मूवर, देन इस तरीके से ये कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर क्या हो रही है, ये देखिए ये अब ये पिस्टन नीचे जा रहा है, एयर क्या होगी वाल्व यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये इस तरीके से कंप्रेस्ड होकर एयर इसके थ्रू यहाँ इस कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगी, देन यहाँ से हम क्या करेंगे इसका प्रेशर गेज मेजर कर लेंगे और यहाँ से लगाकर डिलीवरी, ये प्रेशर गेज मेजर करेंगे, यहाँ से हम डिलीवरी कर लेंगे और यहाँ से आपको जो भी यूज करना होगा उस एयर का यूज कर लेंगे।
रोशन कुमार सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? निखिल कुमार कह रहे हैं सर वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, चलिए थैंक यू रोशन जी। आप अभी मैंने कल से ही कई लोगों को बोल रखा था पीडीएफ हमारे पास है, आज रात में अभी जैसे ही क्लास एंड होगी हम आप सभी को व्हाट्सअप कर देंगे, जितने लोगों को हमने कल प्रॉमिस किया था पीडीएफ के लिए, आज आज रात में सभी लोगों को क्लास एंड होने के बाद इस नंबर पे सभी लोगों को हम पीडीएफ व्हाट्सअप कर देंगे, हम पीडीएफ इस नंबर पे सभी लोगों को व्हाट्सअप कर देंगे, जो भी क्वेरीज होंगी आप यहां से पीडीएफ ले सकते हैं। और हमारे 9415119556 आप इस पे कॉल करके पीडीएफ ले सकते हैं, सॉरी कॉल करके नहीं व्हाट्सअप करके, जितने लोगों की जरूरत पड़ेगी सभी को हम सेंड कर देंगे। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, देखिए जब रोटेटिंग कंप्रेसर कैसा काम करेगा वो यहाँ पे दिखा रहे, वो पीछे वाला कैसा था रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था, अभी रोटेटिंग कंप्रेसर का कुछ एनिमेशन वीडियोस आपके लिए लाए हुए हैं। ये हमारे पास किस तरीके से रोटेटिंग कंप्रेसर वर्क करेगा, एयर अंदर जाएगी इंटर करेगी और कंप्रेस होकर आगे चली जाएगी, ये हम आपको भी दिखाएंगे, एयर इंटर करेगी कंप्रेस होकर आगे चली जाएगी और ये रेसिप्रोकेटिंग व्हील की तरफ वर्क कर रहा है तो इसीलिए इसे सॉरी रोटेटिंग व्हील की तरफ वर्क कर रहा है इसीलिए इसे बोलेंगे रोटेटिंग कंप्रेसर। तो इसे देख कर आइडिया लग गया होगा वर्किंग के आधार पर कंप्रेसर दो तरीके के वर्क करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड रोटरी कंप्रेसर। देन आगे बढ़ते हैं, ये इस तरीके से एयर आएगी और आगे की ओर डिस्चार्ज हो जाएगी, बहुत सारे एनिमेशन वीडियोस हम आपके लिए लाए हुए हैं। चलिए हम आगे अब क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि एनिमेशन आपने काफी कुछ पढ़ लिया है, आगे बढ़ते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है ना, क्यों डियर स्टूडेंट्स क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है कि नहीं बनाना है? चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब हमने कंप्रेसर का इंट्रोडक्शन बताया, कंप्रेसर बता दिया कैसा होता है, पूरी की पूरी एनिमेशन आपको समझा दी, आगे बढ़ते हैं कंप्रेसर का ये वर्क मैंने बता दिया, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर के प्रकार, कंप्रेसर के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। अच्छा कंप्रेसर के जो प्रकार हमारे पास है, कंप्रेसर के प्रकार दो तरीके से होंगे, इसको हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे, अभी जस्ट आपको दिखाया मैंने, पहला आपका कैसा होगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है ना, दूसरा आपका कैसा होगा रोटेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का मतलब क्या है, ये प्रत्यागामी पंप की तरह वर्क करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। देन वेरी अच्छा नॉलेज अड्डा करें, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, चलिए थैंक यू नॉलेज अड्डा जी, अभिषेक पाल अभी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग है ना। अब जो हमारा रोटरी कंप्रेसर होगा वो दो तरीके से आपका वर्क करता है, एक आपका होता है स्टडी फ्लो और एक आपका होता है डिस्प्लेसमेंट टाइप फ्लो। जो रोटरी कंप्रेसर होगा डियर ये दो तरीके से वर्क करेगा, रोटरी कंप्रेसर फर्दर दो तरीके से वर्क करेगा, पहला आपका होगा स्टडी फ्लो कंप्रेसर, स्टडी फ्लो कंप्रेसर है ना, स्टडी फ्लो कंप्रेसर, स्टडी फ्लो। दूसरा आपका क्या होगा सर, हम सर और कौन कौन सी अभी क्लास चल रही है, थ्योरी ऑफ मशीन फाइनल ईयर की चल रही है, सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर सिविल का सर्वे चल रहा है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है और फर्स्ट ईयर मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल की कंबाइंड ड्राइंग चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा स्टडी फ्लो कंप्रेसर और दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर, विस्थापक टाइप कंप्रेसर, डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर, डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर। अब स्टडी फ्लो देखो, ये आपका हो गया स्टडी फ्लो टाइप कंप्रेसर और दूसरा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट टाइप फ्लो कंप्रेसर। स्टडी फ्लो टाइप कंप्रेसर को हम लोग दो तरीके से फर्दर पढ़ते हैं, यहां से देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटेटिंग कंप्रेसर। अब ये जो हमारा फ्लो होता है, एक आपका होता है स्टडी फ्लो को अगर पढ़ेंगे तो दो तरीके से पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो टाइप कंप्रेसर है ना। तो पहला हमारा क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर और दूसरा हमारा क्या होगा एक्सियल फ्लो टाइप कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो
कंप्रेसर। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, रोटेटिंग मतलब घूर्णी संपीड़क, घूर्णी संपीड़क यानी कि रोटेटिंग एयर कंप्रेसर। और ये सारे हम एयर कंप्रेसर की बात करें, टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर की बात करें, इस चीज को आपको ध्यान में बार बार रखना है हम क्योंकि एयर कंप्रेसर को पढ़ रहे हैं। रेसिप्रोकेटिंग मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यागामी कंप्रेसर, और स्टडी फ्लो कंप्रेसर हो जाएगा। स्टडी फ्लो को दो तरीके से पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल टाइप यानी कि अपकेंद्री कंप्रेसर, अपकेंद्री जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करेगा, इसको बोलेंगे अपकेंद्री प्रकार वायु संपीड़क। और दूसरा पढ़ेंगे एक्सियल यानी कि अच्छी प्रवाह वायु संपीड़क, और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापक टाइप। ये जो हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, विस्थापक प्रकार वायु संपीड़क। अब समझिए कि ये कैसे होंगे, एक एक चीजों को हम लोग उठा के पढ़ते चले चलेंगे। सबसे पहले आइए पढ़ शुरू करते हैं रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर, देन रोटरी में आ जाएंगे स्टडी टाइप कंप्रेसर। ये हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइप को नहीं पढ़ेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हम लोग सेंट्रीफ्यूगल टाइप पढ़ लेंगे, एक्सेल फ्लो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देंगे। सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर। सबसे पहले फर्स्ट हमारा स्टार्ट होगा, वेरी नाइस सो गुड टी सी यू ओ टो सी यू अभिषेक श्रीवास्तव। चलिए थैंक यू अभिषेक जी। अब आइए सबसे पहले ये तो हो गया बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्रेसर अकॉर्डिंग टू वर्किंग। अगर हम बात करें ये वर्किंग टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, फर्स्ट आपका था अकॉर्डिंग टू वर्किंग। अच्छा और भी देख लेते हैं, और भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, देन इसके बाद हम कंप्रेसर फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। चलिए नेक्स्ट और हम लोग कंप्रेसर स्टार्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेज। सेकेंड प्रकार हम लोग देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेज यानी कि स्टेज के आधार पर। अभी जस्ट हमने आपको बताया स्टेज के आधार पर आपके जो कंप्रेसर होंगे वो तीन तरीके से डिवाइड डिफाइन किए जाएंगे। यदि सिंगल पिस्टन सिलेंडर लगा होगा रेसिप्रोकेटिंग में, ये रोटरी कंप्रेसर की बात नहीं हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आपके, यही आपके स्टेज के अकॉर्डिंग होते हैं, यहीं पे हम डिफाइन कर दे रहे हैं। पहला आपका हो जाएगा सिंगल स्टेज, दूसरा आपका क्या हो जाएगा डबल स्टेज, तीसरा आपका क्या हो जाएगा मल्टी स्टेज। अच्छा जो पहला आपका था ये सिंगल स्टेज, इसमें केवल एक सिलेंडर लगा होगा, और दूसरे में क्या लगा होगा, दो सिलेंडर लगा होगा, और तीसरे में दो से अधिक सिलेंडर लगा होगा। अब यहां पे देखिए इंटरकूलर जब यूज करेंगे दो सिलेंडर में, तो इसमें क्या होगा, एक इंटरकूलर लगा होगा। अभी आपको बताएंगे इंटरकूलर क्या होगा, एयर के टेम्परेचर को कम करने के लिए। अब दो सिलेंडर हो गए, दो से अधिक जितने सिलेंडर होंगे तो जितने नंबर ऑफ सिलेंडर होंगे उसमें -1 कर देंगे तो नंबर ऑफ इंटरकूलर आपका निकल जाएगा मल्टी स्टेज कंप्रेसर के लिए। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया, टू स्टेज टाइप, यस यस वेरी नाइस तेज विद स्टडी। चलिए हमारे तेज प्रताप सर भी जुड़ गए, बढ़िया सर, थैंक यू सर, वेलकम। तो आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंप्रेसर, है ना। आप सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग रेसिप्रोकेटिंग अकॉर्डिंग टू स्टेज। ये तो हो गया, अभी जस्ट मैंने बता दिया रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, है ना। चलिए अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है, इसमें दो तरीके से हमने आपको बताया था,
कि दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, सिंगल स्टेज, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, डबल स्टेज। मल्टी स्टेज भी पढ़ेंगे लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, डबल स्टेज हम पढ़ लेंगे। डबल स्टेज हमारे सिलेबस में है, डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, और ये मल्टी स्टेज हमारे सिलेबस में नहीं है डियर। मल्टी स्टेज जैसा डबल स्टेज बिहेवियर करेगा वैसा ही मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर बिहेव करेगा, बस उसमें एक स्टेज बढ़ जाएंगे, स्टेज बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज। आपको हमने बताया सिंगल स्टेज में क्या होता है, ये आपका हो गया, जैसे सपोज करिए आपके पास पिस्टन एंड सिलेंडर जो अरेंजमेंट होता है उसमें केवल और केवल पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट होता है टू स्टेज टाइप ऑफिशियल। घनश्याम ऑफिशियल कह रहे हैं, यस सर, बढ़िया। चलिए तो इस तरीके से ये आपका हो गया सिंगल स्टेज और डबल स्टेज। तो सिंगल स्टेज में क्या होगा, केवल एक सिलेंडर होगा, और जब केवल एक सिलेंडर होगा डियर तो इसमें क्या होगा, कम अमाउंट ऑफ आयतन की एयर को कंप्रेस किया जाएगा, कम आयतन वायु को संपीड़ित किया जाएगा। अब सीधी सी बात है, जब कम आयतन को कंप्रेस कर रहा है तो कम प्रेशर भी होगा, मतलब दाब कम होगा इसका, वायु दाब कम होगा तो दक्षता भी क्या हो जाएगी, कम होगी। अब इसी तरीके से आप इसकी बात कर लीजिए, इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक सिलेंडर लगे होंगे। अब दो या दो से अधिक लगे होंगे सिलेंडर तो सीधी सी बात है इसमें क्या होगा, अधिक आयतन वायु को कंप्रेस किया जाएगा, है ना, संपीड़ित किया जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, जब आयतन आपका बढ़ेगा तो प्रेशर भी, हाई प्रेशर, उच्च दाब के लिए एक और मोस्ट टेक्निकल पॉइंट है कि जो एयर हमारी जो सिलेंडर में कलेक्ट हो रही है, यदि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, हार्मफुल हो जाएगी। वो प्री इग्निशन को बार बार जनरेट करना शुरू कर देगी यदि उससे हम यूज करेंगे इंजन के अंदर। तो और भी लॉसेस हैं, तो हम चाहेंगे कि जो हमारी एयर अंदर कंटेनर में कलेक्ट हो रही है उसका टेम्परेचर कैसा हो, कम हो, जो कि कंप्रेस करेंगे तो किसी भी चीज को कंप्रेस करेंगे, मॉलिक्यूल पास आएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम चाहेंगे कि उसका टेम्परेचर कम हो, तो सिंगल स्टेज कंप्रेसर में टेम्परेचर को कम नहीं कर पाते क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर नहीं लगा होता है। लेकिन इसमें मल्टी स्टेज में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर लगा होता है। यहां पे देखिए इंटरकूलर लगा होता है, और इसमें क्या होता है, इंटरकूलर नहीं होता है। ये समझ आया आप लोगों को कि नहीं आया? अगर ये समझ आ गया हो तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अबाउट कंप्रेसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। धनजीत ब्रो सर, टेलीग्राम में पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा एकदम अभी, जस्ट हम जैसे ही क्लास ले लेंगे तो आज इस लेक्चर का भी पीडीएफ सेंड कर देंगे टेलीग्राम में, और प्रीवियस का जो लेक्चर था उसका भी हम लोग सेंड कर देंगे, और साथ में थर्मल की जो हमारी नोट्स है उसको भी सेंड कर देंगे। और एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया था, वहां से भी आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट, पहले एक बार कमेंट करके बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं डियर कि क्या ये कंप्रेसर समझ में आया कि नहीं आया, सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज। देन हम लोग शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल टर्म। चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल टर्म इन कंप्रेसर, है ना, टर्म्स यूज्ड इन एयर कंप्रेसर,
है ना, वायु संपीड़क में उपयोग किए जाने वाले हम लोग कथन की बात करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे हमने एक बात किया, इनलेट प्रेशर है ना, इसका हमारा क्या होगा, जब वायु इंटर करेगी कंप्रेसर के अंदर, सपोज करिए कि ये देखिए ये इसको हम ऐसा बना दें, सपोज करिए कि इससे वायु इंटर कर रही है और इससे वायु आपकी क्या हो रही है, एग्जिट कर रही है, ये वायु एग्जिट कर रही है और यहां से वायु इंटर कर रही है। आप यहां पे देखिए जो वायु यहां पे एग्जिट करेगी, ये वायु एक कंटेनर में जाकर कलेक्ट हो जाएगी। अब यहां से जो वायु इंटर कर रही है, ये वायु जो इंटर कर रही है, इसको इंटर करने के लिए हमने क्या किया, एक इस तरीके से ट्यूब लगा दिया। अब ये जो ट्यूब लगा दिया, यहां पे हमने क्या किया, ये लगा दिया हमने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये हो गया हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को हम रेसिप्रोकेट करा रहे हैं, और रेसिप्रोकेट कराने पे यहाँ पे एक हमने लगा दिया वाल्व। ये हमारे पास हो गया वाल्व, और इसको हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिए, इस तरीके से कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे आपके तमाम इस तरीके से ये इसको हम क्लोज कर देते हैं, और यहां पर एक दूसरा वाल्व लगा देते हैं, एक दूसरा वाल्व, ये दूसरा वाल्व हमारे पास होता है। अच्छा, आप फील कर पा रहे हैं जब हमारा क्या होगा, पिस्टन आपका ये मान लेते हैं टीडीसी और ये मान लेते हैं बीडीसी। जब पिस्टन आपका ऊपर से नीचे जाएगा, मतलब टीडीसी टू बीडीसी जाएगा, यदि दोनों वाल्व क्लोज रहता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, दोनों वाल्व आपको पूरा एग्जैक्ट बेसिक से बता रहे हैं, दोनों वाल्व क्लोज रहेगा, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं डियर, दोनों वाल्व जब क्लोज रहेगा तो अंदर यहां पे क्या बनेगा, अंदर यहां पे बनेगा वैक्यूम यानी कि निर्वात। निर्वात क्यों बनेगा, जब दोनों वाल्व क्लोज है, पिस्टन नीचे जाएगा तो अंदर का प्रेशर तो क्या है, जीरो होता जा रहा है, तो अंदर निर्वात बनेगा, मतलब अंदर का प्रेशर लो हो जाएगा। जब अंदर का प्रेशर लो हो जाएगा और यहां बाहर में ये कैसा प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, ये कैसा प्रेशर है, वायुमंडलीय। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका प्रेशर ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं इस वाल्व को धकेलेंगे और वाल्व नीचे आएगा तो है ना, वायुमंडलीय वाल्व को ओपन कर देगी। अब जब वाल्व ओपन हो गया, वाल्व हमारा ओपन हो गया है, पिस्टन नीचे तक जा रहा, मान लीजिए पिस्टन यहां तक आ गया, अब क्या होगा, इतनी अमाउंट ऑफ एयर इसके अंदर फिल कर गई है। अब हम क्या करेंगे, फिर से पिस्टन को बीडीसी से टीडीसी ले जाएंगे, पुनः पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा। अभी इसका वर्गडन बहुत शानदार तरीके से निकालेंगे माय डियर, वर्गडन बहुत ही शानदार तरीके से निकालेंगे, बस आप देखते जाइएगा, केवल बेसिक पहले समझ लीजिए कैसे वर्ग करता है। अब क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ का क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, तो ये वाल्व ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, धकेल कर एयर इसको क्लोज कर देगी। तो ये क्या हो जाएगा, जो इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, जब इनलेट वाल्व आप देख रहे हैं बंद हो जाएगा तो आउटलेट वाल्व भी बंद रहेगा। कंप्रेशन के समय इनलेट वाल्व क्लोज था, आउटलेट वाल्व बंद था, लेकिन कंप्रेशन के समय इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व बंद रहेगा, तथा आउटलेट वाल्व भी बंद रहेगा। अब आप समझ रहे होंगे कि सर जब दोनों बंद है तो फिर ये अंदर की एयर गई कहां, तो ये क्या होता है डियर, ये वाला जो वाल्व ऐसा नहीं लगा होता है, इस वाल्व का फिनोमिना हम कुछ इस तरीके से करते हैं, वाल्व कुछ ऐसा लगा होता है, यहां पे अगर हम देखेंगे ये वाल्व कुछ ऐसा लगा होता, पूरी की पूरी फीलिंग इसीलिए तो आपको दे रहे हैं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, कल को आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ये वाल्व ऐसा लगा होता है,
यहां से आप देख पा रहे हैं, यहां से आप देख पा रहे हैं जब ये वाल्व का स्ट्रक्चर ऐसा था तो एयर जब धकेलेगी तो ये ऊपर चला जाएगा। अब यहां से जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये एयर क्या करेगी, ये एयर इसके यहाँ पे प्रेशर लगाएगी। जब बढ़ते बढ़ते एक ऐसा प्रेशर आएगा कि उसके प्रेशर के बाद ये वाल्व ऊपर की ओर खिसक जाएगा, और जब वाल्व अपनी पोजीशन को छोड़ देगा, वाल्व यहाँ पे आ जाएगा, तो जितनी सारी एयर है ये एयर इसके थ्रू इस कंटेनर में आना शुरू हो जाएगी। फिर ये पिस्टन यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आने के बाद ये इतनी अमाउंट ऑफ एयर इस कंटेनर में चली गई, फिर उसके बाद फिर ये पिस्टन नीचे जाएगा तो ये वाल्व क्या होगा, अब यहाँ पे ये वाल्व ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और ये एयर अंदर आना शुरू हो जाएगी। इस तरीके के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कंप्रेसर प्रोसेस, जिसमें आपका क्या होता है, सबसे पहले जो वायुमंडलीय दाब, ये एयर क्या है, इनलेट है, और यहां पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय एयर अंदर जा रही है तो इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और ये जो हमारा है यहां पर ये क्या है, आउटलेट है, और आउटलेट पे क्या है, पी टू है, और इसका प्रेशर ग्रेटर देन पी एटमॉस्फेयर। सीधी सी बात है, जब कंप्रेस्ड एयर अंदर जा रही है तो इसका एग्जॉस्ट का प्रेशर ज्यादा होगा, इनलेट का प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो पहली लाइन जो मैंने लिखी, इनलेट प्रेशर, अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा इनलेट प्रेशर क्या होता है। सर ये ओके, सर सर कौन सा सब्जेक्ट है ये, आदर्श रमीला कह रहे कौन सा सब्जेक्ट है ये डियर, थर्मल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है एयर कंप्रेसर, ये वही चल रहा है। थर्मल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है एयर कंप्रेसर, वही चल रहा है। आदर्श रमीला सर बताइए ये क्या है और किस ब्रांच का है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। मोनू सरोज जी प्रणाम, चलिए थैंक यू प्रणाम। अब ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, थर्मल इंजीनियरिंग, ऊष्मा इंजीनियरिंग, उसी का एक सब्जेक्ट आपका लाइव चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इनलेट पे आपका क्या हो जाएगा, सक्शन के समय, यानी कि सक्शन के समय, सक्शन के समय वायु का दाब आपका कहलाएगा इनलेट प्रेशर कहलाएगा, इनलेट प्रेशर होता है। अब बात करते हैं आउटलेट प्रेशर, अब बात कर लेते हैं आउटलेट प्रेशर, तो सेकंड हम बात करेंगे एग्जॉस्ट प्रेशर, एग्जॉस्ट प्रेशर है ना। सेकेंड पॉइंट एग्जॉस्ट प्रेशर, अच्छा एग्जॉस्ट दाब जो हमारा होगा ये क्या होगा, एग्जॉस्ट के समय जो वायु का दाब होगा, एग्जॉस्ट के समय वायु का दाब एग्जॉस्ट प्रेशर कहलाता है, एग्जॉस्ट प्रेशर कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, और जिसका मान वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बहुत ही शानदार तरीके से डियर, अभी जस्ट हम लोग इसका एफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं, बस पहले कंपोनेंट ऑफ कंप्रेसर और इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंप्रेसर हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुरंत हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसका हम लोग क्या निकालेंगे, फार्मूला निकालेंगे वर्क डन के लिए, है ना। अब बात कर लेते हैं कंप्रेसर रेशियो, संपीड़न अनुपात, कंप्रेसर रेशियो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगला पार्ट बात कर लेते हैं कंप्रेसर रेशियो, संपीड़न अनुपात, इसको बोलेंगे संपीड़न अनुपात। और कहीं पर भी हम लोग अभी तक कंप्रेसर रेशियो को आर से ही डिफाइन कर रहे हैं, आर आपका क्या हो जाएगा, यहां पे सबसे पहले देखिए कि किसका प्रेशर ज्यादा है, इस पी टू का प्रेशर ज्यादा है, पी वन का प्रेशर क्या है, कम है, तो कंप्रेसर रेशियो हमेशा क्या होता था, हायर प्रेशर रेशियो टू द लोअर प्रेशर रेशियो, मतलब द प्रेशर रेशियो ऑफ एग्जिट एग्जॉस्ट एयर टू द इनलेट एयर, यानी कि निकास पर वायु का दाब बटे इनलेट पर वायु का दाब के अनुपात को हम लोग कहते हैं एयर प्रेशर, यानी कि निकास वायु दाब तथा इंटर वायु दाब, है ना, इंटर वायु दाब
अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर रेशियो, दाब संपीड़न अनुपात कहते हैं, संपीड़न अनुपात कहते हैं। अब कंप्रेसर रेशियो का फार्मूला आपको यहां से तुरंत आ गया होगा, फार्मूला आपका कंप्रेसर रेशियो R बराबर क्या हो जाएगा, P2 अपॉन P1, जहां पर P2 आपका निर्गत पे प्रेशर है, इसीलिए R इज ग्रेटर देन 1 होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि P2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P1 होता है, तो कंप्रेसर रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा कंप्रेसर के लिए, बिकॉज ऑफ एग्जिट एग्जॉस्ट प्रेशर इज ऑल्सो ग्रेटर देन इनलेट प्रेशर। तो निर्गत में वायु का दाब ज्यादा होगा, इनलेट में कम होगा, इसीलिए कंप्रेसर रेशियो का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, प्रेशर रेशियो। संजीत ब्रो यस, एग्जॉस्ट प्रेशर बटे इनलेट, क्या बात है सचिन, IIT प्रयागराज, थैंक यू सचिन जी, वेरी नाइस आंसर, एग्जॉस्ट प्रेशर बटे इनलेट प्रेशर, ये होती है ना एक्टिविटी, अच्छा लगता है ऐसे जब आप लोग आंसर देते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कंप्रेसर कैपेसिटी, कंप्रेसर कैपेसिटी क्या होती है, एक टर्म आपका है कंप्रेसर क्षमता, कंप्रेसर क्षमता, चलिए अगला टर्म हम लोग बात कर लेते हैं कंप्रेसर कैपेसिटी, कंप्रेसर क्षमता, कंप्रेसर क्षमता, कंप्रेसर क्षमता आपका क्या होता है, जितनी अमाउंट ऑफ एयर कंप्रेसर द्वारा डिलीवर की जाती है उसी को बोलते हैं कंप्रेसर कैपेसिटी, है ना, टोटल कंप्रेसर द्वारा डिलीवर की गई वायु के आयतन को ही कंप्रेसर की क्षमता कहते हैं। कंप्रेसर के द्वारा डिलीवर की गई, मतलब आप यहां पे देखिए, यहां से कंप्रेसर क्या, ये इतनी वायु को डिलीवर करता है, यहां पे जितनी अमाउंट ऑफ वायु आपकी डिलीवर होती है, जितनी अमाउंट ऑफ वायु, यहां पे मेजर करने के लिए डिवाइस लगा रखते हैं, तो इस जगह पर जितना एक कंप्रेसर डिलीवर करेगा वायु को, इसी को बोलेंगे कंप्रेसर की क्षमता, है ना, डिलीवर की गई वायु की कुल क्षमता को, डिलीवर की गई वायु की कुल क्षमता को, कुल क्षमता को कंप्रेसर की क्षमता कहते हैं, कंप्रेसर की क्षमता कहते हैं, कंप्रेसर की क्षमता कहते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आया डियर, यहां तक आप सभी लोगों को समझ आया। अब बात कर लेते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम, स्विफ्ट वॉल्यूम, कंप्रेसर रेशियो इज ग्रेटर देन 1, वाह क्या बात है, धनजी धनजी थैंक यू, आदर्श रमीला थर्मल का है, वेरी नाइस सर, ग्रुप में लिंक शेयर करना चाहिए था ना, ओहो ग्रुप में लिंक हमने नहीं शेयर किया था क्या, क्या बात है, ओ अरे वाह, ये तो आप तो मतलब बड़ी मिस्टेक हो गई, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो आज मतलब भारी मिस्टेक हो गया, एकदम भारी मिस्टेक हो गया, कोई नहीं फिर से हम शेयर कर दे रहे हैं, सारे लोग जुड़े ग्रुप में, सारे लोग जुड़े जितने लोग हैं हम एक बार, ये क्या हम शेयर कर रहे हैं, आप लोग लाइव रहिए, हम एक बार ग्रुप में लिंक शेयर कर दे रहे हैं, क्योंकि आपने सही कहा कि सर ग्रुप में लिंक शेयर नहीं किया गया है, प्लीज आप लोग लाइव रहिए, अभी हम ग्रुप में लिंक शेयर कर दे रहे हैं, सारे लोग जुड़े जितने लोग लाइव हैं जग रहे हैं वो जुड़े, एयर कंप्रेसर चल रहा है ना, इस तरीके से हमने शेयर कर दिया है ग्रुप में, चलिए जितने भी लोग हैं सभी लोग लाइव जुड़ जाएं, अब ये ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया, चलिए आदर्श रमीला जी थैंक यू बताने के लिए, मोनू सरोज थैंक यू सर, चलिए बिल्कुल वेरी नाइस। तो अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, कंप्रेसर रेशियो हो गया, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट, ये हम सब इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं कंप्रेसर के लिए, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, तो स्विफ्ट वॉल्यूम देख लेते हैं क्या होता है, स्विफ्ट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं स्विफ्ट आयतन, अच्छा स्विफ्ट आयतन आपका क्या होता है, देखिए यहां पे क्या होगा, इसमें आप देखिए पिस्टन क्या होगा, देखो पिस्टन हमेशा
पिस्टन हमेशा क्या होगा, आप देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक आपका क्या कर रहा है, इस लंबाई में और इतने डायमीटर में आपका पिस्टन वर्क कर रहा है। तो जितना वर्किंग स्ट्रोक है, ये आपका क्या वर्किंग स्ट्रोक, इसी को बोलते हैं वर्किंग स्ट्रोक। इसी वर्किंग स्ट्रोक की लंबाई और इसके डायमीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एरिया इनटू लेंथ इज कॉल्ड आयतन। और जिस एरिया और लेंथ, जिस लेंथ में ये पिस्टन आपका क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक, और उसी को क्या, उसी के आयतन को सेफ्ट स्ट्रोक बोलते हैं, है ना। पिस्टन की यहाँ पे देखिए, पिस्टन की तय की गई दूरी में कुल आयतन को स्वेप्ट आयतन कहते हैं, स्वेप्ट आयतन कहते हैं। और इसको वी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वी एस आपका क्या हो जाता है, वी एस स्वेप्ट वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल, जहां पर आपका जो पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर है ये एरिया ऑफ पिस्टन के हैं, एरिया ऑफ पिस्टन यानी कि पिस्टन का क्षेत्रफल। और एल आपका क्या है, स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक की लंबाई। जैसे आईसी इंजन में हमने पढ़ा हुआ था, सिमिलर वही चीज है, स्ट्रोक की लंबाई एंड एरिया ऑफ पिस्टन। तो यहां से सिमिलर आपको आईसी इंजन की ही फीलिंग मिल रही है, ये सिमिलर आईसी इंजन की फीलिंग यहां पे मिल रही है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल। क्या बात है धनजीत ब्रो, थैंक यू, वेरी नाइस आंसर, है ना। इस तरीके से आंसर देते हैं डियर तो बहुत अच्छा लगता है, सच में लगता है कि नहीं बच्चे मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ जो है पॉजिटिवली जुड़े हुए हैं और पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, पढ़ाई के प्रति क्या है, सीरियस हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या यहां तक आप सभी लोगों को समझ आया कि नहीं आया, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं यहां तक आप सभी लोगों को समझ आया कि नहीं आया। सर की क्लास स्टार्ट होते ही फुल एनर्जी मिल जाती है, ओहो चलिए थैंक यू मोनू सरोज जी, है ना। यस सर समझ आ गया। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर, हम बात करने चल रहे हैं वर्किंग ऑफ सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर। सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर, है ना, तो हम कहेंगे एक स्टेज वायु संपीड़क का कार्य, वायु संपीड़क का कार्य। अब हम समझेंगे कि सिंगल स्टेज में क्या होगा, एक पिस्टन सिलेंडर होगा। अगर आपसे डायग्राम पूछेगा तो डायग्राम आप ये बनाइएगा, इतना कठिन नहीं है ये, हमने कई बार पिस्टन को बना दिया, आप केवल एक बार पिस्टन को बनाइएगा। अब हम बात करते हैं कैसे बनाते हैं, देखिए वहां पर देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या होगा, एक पिस्टन अरेंजमेंट बना लेंगे, यहां पर क्या बना लेंगे, एक पिस्टन अरेंजमेंट बना लेंगे इस तरीके से। देखिए ये वाल्व यहां पे ओपन करने के लिए, ये हो गया। अब यहां पे क्या कर लेंगे, ये पिस्टन बना लेंगे। सबसे पहले ये जो पिस्टन है ये क्या होगा, यहां से कनेक्ट है गजन पिन से और ये गजन पिन आगे जाएगी। थोड़ा सा कलर चेंज करके बनाते हैं ताकि आपको समझ और ज्यादा आए, ये हो गया। अब इसको जब बनाते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए ये आपका होता है पिस्टन। अब यहां से जो क्रैंक शाफ्ट होती है,
वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। जो क्रैंक शाफ्ट आपकी होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये आपस में क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट होती है और ये आपका क्या होता है, पिस्टन होता है। यहाँ पे पिस्टन गजन पिन लगा होता है और इस जगह पे आपके क्या होते हैं, ये लगे होते हैं इनलेट वाल्व और ये लगे होते हैं एग्जास्ट वाल्व, इनलेट वाल्व एंड एग्जास्ट वाल्व। ऊपर आप इस तरीके से लगा दीजिए, ये आपका हो गया। यहां से आप इसको क्या करिए, ये वाल्व लगा दीजिए, देन ये आप बना दीजिए। चलिए अब होगा क्या, जब देखिए इसकी डायरेक्शन जरूर दिखाइए, ये क्या है कि ये इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, ये इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। जब ये आगे जाएगा तो सीधी सी बात है इसको क्या करेगा, नीचे की ओर घुमाएगा, ये नीचे की ओर घुमाएगा, तो मतलब ये क्या होगा कि ये पिस्टन क्या होगा, फर्दर टीडीसी से किधर की ओर जाएगा, बीडीसी की ओर जाएगा। तो ये पहला स्टेज हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होती है, एयर आपकी अंदर आती है, फर्स्ट स्टेज में एयर आपकी अंदर आती है। और सेकंड स्टेज सर पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाँ बता रहे हैं अभिषेक पाल जी कह रहे हैं सर पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलिए उसको बता रहे हैं। अरे जो स्ट्रोक लेंथ आपकी होती है वही आपका पिस्टन डिस्प्लेसमेंट होता है। ये यहां से लेके यहां तक ये जो पिस्टन क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, स्ट्रोक लेंथ को ही पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलिए सेकेंड स्टेज आप जब बनाएंगे तो सेकेंड स्टेज के लिए आपको ऐसे बनाना है, सेकेंड स्टेज के लिए जब भी आप बनाएंगे तो सेकेंड स्टेज के लिए फिर से वही प्रोसेस कर लेंगे। और ये आप ऊपर इंक्लोजर बना देंगे, यहां से वाल्व को क्लोज कर देंगे, ये वाल्व क्लोज हो जाएगा। वाल्व क्लोज होने के बाद ये हो गया अरेंजमेंट, सिलेंडर लगा दिया, ये सिलेंडर लगा दिया। और यहाँ पे अब की बात पिस्टन यहाँ पे लगेगा, पिस्टन आपका कहाँ लगेगा, थोड़ा सा नीचे लगेगा, पिस्टन नीचे लगेगा। देन अगली बार देखो, इस बार यहाँ था, अब ये घूम के जाएगा तो ये क्या होगा, ये उधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ये कनेक्टिंग रॉड को आप क्या करिए, यहाँ से कनेक्ट कराइए, कनेक्टिंग रॉड को आप यहाँ से कनेक्ट कराइए और अब की बार ये बनाइए, इस तरीके से बनाइए और आप इसको मैच करा दीजिए। और इसके जब एंगल की बात करेंगे तो ये देखिए किस डायरेक्शन, ये इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इसी डायरेक्शन में घूम रहा है। अब आप देखिए जब ये ऊपर, सॉरी, ये जब आप देखिए जब ये इसी डायरेक्शन में जब ये जा रहा है, ऊपर जाएगा तो ये इसको ऊपर की ओर धकेलेगा, मतलब पिस्टन किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। यहां से आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जब पिस्टन कुछ लगभग यहां तक पहुंच चुका होगा तब ये वाला वाल्व आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो वाल्व है तब ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा। ये इस तरीके से इनलेट वाल्व आपका पूरा का पूरा क्लोज रहेगा। और यहाँ इनलेट वाल्व क्लोज है, ये क्या है, आई वाल्व ओपन है, इनलेट वाल्व ओपन है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, जब भी आपसे पूछेगा एक सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर के डायग्राम को बनाइए, तो पहले ये डायग्राम बनाएंगे, फिर आइए बात कर लेते हैं पीवी डायग्राम, और पीवी डायग्राम से हम वर्क डन निकालेंगे और इसके बारे में लिख लेंगे पहले क्या क्या हो रहा है। स्ट्रोक लेंथ सचिन आईआरटी प्रयागराज जी, बिल्कुल अब देखिए इसके बारे में पूरा का पूरा लिख लेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि कंप्रेसर से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये लिखना बहुत जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, है ना, सक्शन के समय, चूसड़ के समय, यानी कि सक्शन के समय हमारा क्या होता है, इनलेट वाल्व खुला होता है तथा, अभी पीछे इसको हमने पूरा लिखा दिया डियर, ये नहीं कहेंगे आप कि हमने नहीं लिखाया हुआ है, ये पूरा लिखाया हुआ है तो टाइम हम लोग नहीं बर्बाद करेंगे। तथा एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है और
वायु क्या होती है, वायु पिस्टन के, यहां भी वायु क्या होती है, वाल्व, वायु अंदर आती है, अंदर आती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, इनलेट वाल्व क्लोज बंद होता है। ये हम शॉर्टकट में लिखवा रहे हैं, आप पूरा पूरा डायग्राम मैंने समझा दिया, अब आप पूरा आसानी से लिख सकते हैं, है ना, बंद होता है। ये हम केवल बेसिक आपको बता रहे हैं, एग्जॉस्ट इनलेट वाल्व बंद होगा तथा कुछ दाब बढ़ने के बाद, कुछ दाब बढ़ने के बाद ये क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा, खुल जाएगा और संपीड़ित वायु, संपीड़ित वायु कंटेनर में कलेक्ट कर ली जाएगी, कंटेनर में एकत्रित कर ली जाएगी, एकत्रित कर ली जाएगी। अब आइए इसका वर्क डन निकालते हैं, मेन हमारा क्या है, वर्क डन ऑन पीवी आरेख। सबसे पहले चलिए अब इसका निकालते हैं वर्क डन, वर्क डन है ना, तो मेन क्या है, वर्क डन ही तो निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। वर्क डन, वर्क डन ऑफ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, एकल स्टेज इसको बोलते हैं, एकल स्टेज कंप्रेसर, वायु कंप्रेसर का एकल स्टेज वायु कंप्रेसर का कार्य निकालने, यानी कि W वर्क डन हम क्या निकालने चल रहे हैं, W हम लोग फाइंड करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले पीवी आरेख खींच लेते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम सर यूनिफॉर्म, इंफॉर्मेशन क्यों नहीं किया, ओहो मुझे अब जाकर पता चला, चल रहा है क्लास भी चल रही है, अरे सॉरी, एक्चुअली हमें ऐसा लगा कि हमने सेशन शेयर कर दिया और हम आते हैं क्लास को लाइव कर दिए और सेशन शेयर करना भूल गए, वैसे लाइव लगा हुआ था, तो कोई नहीं, अब उसको आप थोड़ा सा पीछे जाकर देख लीजिएगा, क्या बताएं, चलिए कोई नहीं, सर की क्लास की पूरी वीडियो जो भी ऑनलाइन कर रहा है उसकी फुल गारंटी है कि जीरो की वो 40 से भी ऊपर नंबर मिलेगा, हम 100% के साथ कह रहे हैं मोनू सरोज, है ना, और आप सब लोग बहुत अच्छे गुरुजी मिले, आप सब लोगों को बहुत अच्छे गुरुजी मिले, अरे वाह क्या बात है, थैंक यू मोनू सरोज जी, है ना, दिल से थैंक यू, जब ऐसे बच्चे अप्रिसिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और ये कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट और प्यार का ही मेहनत और कमाल है कि जो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से आप लोगों के पास आए, आप लोगों के साथ आए और आप लोगों के साथ जुड़े, आप लोगों को लगातार पढ़ाते गए, काफ़ी इंजॉय मिल रहा है पढ़ाने में और साथ में इतना सपोर्ट मिला, देखिए कि इस छोटे से चैनल की शुरुआत किया गया और इस चैनल के इतने ज़्यादा मेंबर इतने कम समय में हो गए, और आज शाम को हम लोगों ने एक शुभ संदेश के थ्रू एक छोटा सा गेट टुगेदर रखे हुए थे ताकि हमारे अपने बच्चों को यह पता चले कि हमारे बच्चों के द्वारा सपोर्ट किया गया चैनल किस लेवल पे है और कहां पे है। वास्तविकता हम अपने बच्चों को बताने के लिए हमने एक स्मॉल गेट टुगेदर रखा हुआ था जिसमें हमने अपने कुछ सर लोगों को बुलाया हुआ था, तो इस तरीके से आप लोग काफी ज्यादा उसमें जो है हमारे चीफ गेस्ट यानी कि आप स्टूडेंट्स से सारे बच्चे हमारे क्या थे, आज के विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि थे, क्योंकि इस चैनल पे जो भी कुछ प्रोग्रेस हुई है वो केवल और केवल आपकी देन का कमाल है, और आगे भी चैनल पर जो भी प्रोग्रेस होगी वो केवल और केवल आपकी देन होगी, आपका ही सपोर्ट होगा, आपका ही प्यार होगा। हम तो क्या है कि एक उत्प्रेरक की तरह बस काम कर रहे हैं कि जैसे अभिक्रिया की दर को हम बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन हम इंक्रीज कर रहे हैं, उत्प्रेरक का काम क्या होता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, बाकी रिएक्शन करना वो डिपेंड करता है केमिकल वन एंड केमिकल टू पे, आप जो थे आपका जो माइंड था वही है, ना आपके माइंड में पहले कुछ परिवर्तन था ना अभी भी कुछ परिवर्तन है, बस हम क्या आपका आपके अंदर कैपेबिलिटी थी, करने की ललक थी और आप जूझ गए तो कर रहे थे, यही इसीलिए आप सोचो दुनिया जब ठंड में सो रही थी तो आप 2 बजे रात ऑनलाइन क्लास लाइव ले रहे थे,
क्या जरूरत थी आपको लाइव रात में 11-12 बजे 2 बजे पढ़ने की? आप तो कल को रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते थे ना। लेकिन जो सफलता की कहानियां और इतिहास लिखते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, क्योंकि जब दुनिया सोती है और वो जगते हैं, क्यों जगते हैं? क्योंकि उन्हें अपने सपने आगे के लिए पूरे करने होते हैं। तो इस तरीके से आप खुद मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों आपको पढ़ाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं वर्क डन ऑफ एयर कंप्रेसर। ये देखिए SB पटेल फैन ये कोई है, उन्होंने अच्छा जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसमें कुछ थैंक्स का भी बटन ऑप्शन आ जाता है। चलिए क्या कहें, उनको थैंक यू कह सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, आपका प्यार। उन्होंने कुछ ऐसा थैंक्स दिया है कुछ 20 रुपीज का, क्या बोले उनके लिए। चलिए हम थैंक यू बोल सकते हैं, हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये सब करिए, सब नहीं, हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मेन मकसद है दोस्तों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करें। बाकी जो है हम वो हम आपको दे ही रहे हैं। बाकी आप इस तरीके से आप सपोर्ट करिए, चैनल को प्रमोट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, यही हमारे लिए अप्रिसिएशन का काम होगा आपके लिए, हम आपसे केवल यही उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को शुरू करते हैं, मेंटोर्स एडुकेयर। नमस्कार सर, चलिए चलिए नमस्कार सर, नमस्कार आपको भी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, थैंक यू सर। चलिए अभिषेक पाल, ग्रेट वर्क पटेल सर, चलिए थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी सर, अगेन थैंक यू। एक हमारे सर भी हैं, आलोक मिश्रा सर भी जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वर्क डन निकालने चल रहे हैं ऑन पीवी एंड टीएस कर्व। अब पीवी और टीएस कर्व पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी कर्व पे हम लोग क्या निकालने चल रहे हैं, हम लोग निकालने चल रहे हैं, देखिए इस एक्सिस में आपका हो जाएगा प्रेशर, इस एक्सिस में आपका क्या हो जाएगा दाब, पीपी का मतलब क्या हो जाएगा दाब, और इस एक्सिस में आपका हो जाएगा आयतन। हम लोग निकालने चल रहे हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। एक पॉइंट पर प्रेशर, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर हम लोग मान ले रहे हैं P1 और इस पॉइंट पर फाइनल प्रेशर मान ले रहे हैं P2। कंप्रेसर में P1 प्रेशर पर एयर क्या करेगी, सक्शन करेगी। कंप्रेसर में P1 प्रेशर पर, देखिए ध्यान से समझेंगे तो बहुत मजा आएगा इसका डेरिवेशन करने में, ध्यान से समझेंगे तभी मजा आएगा, नहीं समझेंगे तो फिर दोबारा देखना पड़ेगा, तीसरी बार भी देखना पड़ सकता है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अजीत सिंह प्रणाम सर, मैं अभी तक पीछे देख रहा था। ओहो चलिए चलिए ठीक ठीक ठीक, ग्रेट जॉब सर। अब्दुल अमन सिद्दीकी, चलिए थैंक यू सर, आप भी जुड़ गए हैं, थैंक यू सर, थैंक यू है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे आपका क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट प्रेशर पे आपका मान लेते हैं हम यहां तक मान लेते हैं, इस पॉइंट तक हमने क्या किया, सक्शन कर लिया, एयर हमारी क्या हो रही, सक्शन हो गई है। जब एयर सक्शन हो जाती है तो सक्शन होने के बाद हम सक्शन ऐसा मान रहे हैं, सक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर P1। सक्शन के बाद अब हम मान लेते हैं उसको जब कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर जो बढ़ता है डियर वो कंप्रेसर के अंदर BDC से TDC इस तरीके से बढ़ता है कि आप उसको बीच में मेजर नहीं कर सकते हैं। उसको मेजर करने के लिए हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर का कॉन्सेप्ट लाते हैं, उसी प्रेशर को मेजर करने के लिए एक आइडियल मीन इफेक्टिव प्रेशर का कॉन्सेप्ट लाते हैं। तो वहां पे वो हम मेजर करेंगे, तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं कि जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो इसका देखो जो प्रेशर बढ़ता है ये 3 तरीके से बढ़ेगा, एक आइसोथर्मल बढ़ेगा, एक आइसेंट्रोपिक बढ़ेगा, और एक आपका कैसा बढ़ेगा, एडियाबेटिक बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए चलिए 3 तरीके से आपका प्रेशर बढ़ता है, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक एंड आइसेंट्रोपिक। तो पहला जो बढ़ेगा हम मान लेते हैं ये पॉइंट आपका हो गया, देखिए ये पॉइंट आपका हो गया 2, रुके थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, इसको थोड़ा सा और लार्ज ले जाते हैं समझने के लिए, यहां तक ले जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट कुछ मान लेते हैं P2 पॉइंट पे, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं 2, चलिए ये ऐसा पॉइंट मान लेते हैं। अब इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे इसका प्रेशर जो रहेगा, इसका प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, एवरी पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा। कैसे, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मैच कराएंगे। अब आप लोग जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसके जो कर्व का एंगल होता है वो क्या होता है, कम होता है, उसके कर्व का एंगल कम होता है। ये मैंने शायद लेक्चर में नहीं बताया था लेकिन आपको बता रहे हैं, आइसोथर्मल का जो कर्व है यहां से देखेंगे तो ज्यादा, यहां से देखेंगे तो कम आपको दिखाई देगा।
क्या ये बात आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? आई अभिषेक कुमार, आई कैन नॉट इमेजिन दैट यू आर फॉर स्पेंडिंग योर टाइम नो माइंड। अभिषेक कुमार जी, आप क्या लिखना चाह रहे हैं? शायद मेरी कुछ इंग्लिश कमजोर है क्या, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कैन नॉट अमेजिंग अमेजिंग है ना, दैट यू आर फॉर स्पेंडिंग योर टाइम टू माइंड। एक बार हिंदी में लिखिए प्लीज, अगर हिंदी में लिखेंगे तो थोड़ा सा हम ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अब आइसोथर्मल के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार आप हिंदी में लिखिएगा। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग पॉलीट्रॉपिक देन आइसेंट्रॉपिक, अगला प्रोसेस हम लोग क्या ले लेंगे, पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक ले लेंगे, देन अगला प्रोसेस हम लोग क्या ले लेंगे, आइसेंट्रॉपिक ले लेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट हमारा जो था, यहाँ पे जो पॉइंट था, उस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट को हमने ले लिया ए, और इस पॉइंट को हमने ले लिया बी, इस पॉइंट को ले लिया हमने सी, इस पॉइंट को ले लिया सी डैश, और इस पॉइंट को ले लिया हमने डी, ए बी सी, अच्छा डी यहाँ पे हम ले रहे हैं, चलिए डी हम इस पॉइंट को ले ले रहे हैं डी। यहां तक एक बार अभी देखिए, ये तो हम केवल जनरली कर्व आपको बना रहे हैं, जनरली हम क्या बना रहे हैं, कर्व बना रहे हैं। अब इसमें चलिए इसको सी वन ले ले रहे हैं, इसको सी टू ले ले रहे हैं, और इसको यहां तक कर्व को मैच करा दीजिए, यहां तक मैच करा दीजिए, और मैच कराने के बाद इसको इस तरीके से आगे बढ़ाइए, इस तरीके से आगे बढ़ाइए। केवल एक कर्व अभी हमने आपको बताया, एक कर्व केवल हमने आपको बताया है, ये कंप्रेसर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और आयतन देखो लगातार कम हो रहा है। इस पॉइंट पे इसका वॉल्यूम ये है, इस पॉइंट पे इसका वॉल्यूम ये है, इस पॉइंट पे ये है। वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो चलिए वॉल्यूम वाली लाइन को हम आपको दिखा दे रहे हैं, इस पॉइंट पे वॉल्यूम ये है, इस पॉइंट पे वॉल्यूम ये है, और इस पॉइंट पे वॉल्यूम ये है। क्या यहां तक आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? इस पॉइंट पे प्रेशर ये है, प्रेशर की बात करेंगे, ये देखिए ये आपके प्रेशर वाला पॉइंट है, और यहां से भी आपका प्रेशर वाला पॉइंट है। क्या यहां तक आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? नथिंग मच सर आलोक कुमार, आई एम वेरी हैप्पी, चलिए थैंक यू आलोक जी, है ना, कुछ डिलीट मत करिए, कोई नहीं, अच्छा लगता है, बाद में हो सकता है हम उसको पढ़ के समझने की कोशिश करें। अब इसका नाम लिख देते हैं सभी का, ये वाला जो प्रोसेस था ये कैसा प्रोसेस था, आइसो थर्मल, आइसो थर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद जो सेकेंड वाला प्रोसेस आपका जा रहा था ये कैसा था, आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस ये हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस ये हो गया। जो लास्ट वाला प्रोसेस कैसा होगा, वो आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होगा, सॉरी आइसेंट्रॉपिक होगा, और एक आई अजीत सिंह कह रहे हैं, अजीत सिंह कह रहे हैं यस सर। देखिए थोड़ा सा आपको समझते हुए चलना है, ये आपका कैसा प्रोसेस हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, आइसेंट्रॉपिक, आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस। आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस, इसका ग्राफ क्या होगा, एकदम वर्टिकल जाने की कोशिश करेगा, इसका थोड़ा सा एंगल ज्यादा होगा, इसका थोड़ा सा कम होगा, इसका और कम होगा। आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक एंड आइसेंट्रॉपिक। अब इन तीनों में हम अगर निकालना चाहें तो हम जब वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन निकालने के लिए जो वर्क वर्क डन जो होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व इज कॉल्ड वर्क डन होता है। पीवी डायग्राम के अंदर जो हमारा एरिया होता है, जैसे अगर हम बात करें यहां की बात करें, इस कर्व की बात करें, सपोज करो कि कोई पॉइंट वन से लेके टू जा रहा है, मान लो ऐसे, थोड़ा समझाने के लिए सपोज करो ये पॉइंट हो गया वन, ये पॉइंट हो गया टू। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे प्रेशर हो गया पी टू, और इस पॉइंट पे प्रेशर हो गया P1, और इस पॉइंट पे वॉल्यूम हो गया V1, और इस पॉइंट पे वॉल्यूम हो गया V2। तो यहां पर देखिए एक्चुअल का जो एरिया अंडर कर्व बन रहा है, एक्चुअल का एरिया अंडर कर्व यही तो है,
यही आपका क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। क्या यही एरिया अंडर कर्व वर्क डन कहलाएगा। और जब इसको निकालते हैं तो एग्जैक्ट यहां से थोड़ी निकाल पाएंगे, इसको जब निकालते हैं तो ये कैसे निकालेंगे आप यहां से समझिएगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस एरिया को निकालेंगे। देखिए एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4। हम लोग क्या करेंगे, आप इसी में समझ लीजिए, उसमें आप समझ लेंगे। एरिया 1, 2, 3, 4, ये एरिया हमारा निकल गया। अच्छा, ये एरिया निकल गया, साथ में अगर हम एरिया ये पूरा एरिया निकाल लें, प्लस में एरिया 4, ये हो गया 5, 6। यदि हम एरिया निकाल लें, देखो 1, 4, 5, 6, इस पूरे पूरे एरिया को निकाल लें, इस पूरे पूरे एरिया है ना, इस पूरे पूरे एरिया को हम लोग निकाल लें, प्लस में एरिया 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, ये एरिया निकल गया। कितना टोटल इसका एरिया निकल गया, टोटल इसका एरिया निकल गया, माइनस में अब इस एरिया को हम माइनस कर दें, क्योंकि हमें क्या है, यहीं से वर्क मिल रहा है ना, एरिया अंडर कर्व यहीं से तो हमें मिल रहा है, यहीं से तो हमें मिल रहा है। तो माइनस में हम क्या करें, माइनस में यहां पे कर दें, यदि हम ले लें यहां पे 7 पॉइंट, देखो 6 के बाद 1 था, 7 ले लें, तो किसको माइनस करेंगे, माइनस में इस एरिया को पहले माइनस कर दें, किसको, 2, 7 यहां पे ले रहे हैं, 2, 7, 5, 6, माइनस में एरिया, माइनस में एरिया 2, 7, 5, 6। अच्छा, इतना एरिया माइनस कर दिए हैं, अभी हमको इस एरिया को भी माइनस करना है। क्यों, क्योंकि हमें एग्जैक्ट ये वर्क डन चाहिए होता है। जब ये वर्क डन पीवी कर्व में, ये पीवी कर्व है, ये वर्क डन चाहिए होगा, तो माइनस में एरिया कौन कौन सा कर देंगे, 7, 3, 4 और इसको हम कर दे रहे हैं 8, 7, 4, 3, 8। तो बस यही काम आप कर लेंगे, यही काम आपका कहलाएगा एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व इज कॉल्ड वर्क डन। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 हमें मिलेगा, एक हमें क्या मिलेगा, आइसोथर्मल के लिए एरिया ये मिल जाएगा, और आइसोथर्मल के बाद पॉलीट्रॉपिक के लिए ये वाला एरिया मिल जाएगा, और आइसेंट्रॉपिक के लिए ये वाला एरिया मिल जाएगा। तीनों के लिए अलग अलग वर्क डन हम निकालने चल रहे हैं। क्या यहां तक आप सभी लोगों को समझ आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताएं। डियर सर न्यूमेरिकल कब से कराएंगे, अरे पहले एक बार थ्योरी तो हो जाए फिर न्यूमेरिकल कराते हैं, पहले ही इंफॉर्मेशन कर दीजिएगा। ओहो चलिए अभिषेक कुमार, कोई नहीं, हो गए मिस्टेक आज, ऐसा नहीं है, एक बार मिस्टेक हो गई अब उसमें क्या कहा जा सकता है, पहले ही इंफॉर्मेशन हम अक्सर तक दे देते हैं। अब आइए पहले निकाल लेते हैं वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन पहला निकाल लेते हैं आइसो यानी कि समतापी प्रक्रम के लिए कार्य, समतापी प्रक्रम के, ये आता है डियर आईआरटी के भी सेमेस्टर में आ सकता है और पॉलिटेक्निक के भी सेमेस्टर में आ सकता है। प्रक्रम के लिए कार्य हम कह सकते हैं वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम क्या निकालने चल रहे हैं, वर्क डन निकालने चल रहे हैं, और हमें ये पता है, देखिए अभी ध्यान से देखिएगा, एक बार हम आपको इससे लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं कि कौन सा है वर्क डन, ये वाला देखिए आइसोथर्मल के लिए, ये जितनी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी लाइन आपको यहां से जितनी लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसी एरिया अंडर कर्व ऑन पीवी डायग्राम इज कॉल्ड वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। जितना ग्रीन शेडेड एरिया है, इसी एरिया को अगर हम निकाल लेंगे तो ये एरिया हमारा कहलाएगा एरिया अंडर पीवी कर्व ऑफ आइसोथर्मल, क्योंकि ये वाला कर्व जो जा रहा है वो आइसोथर्मल जा रहा है, आइसोथर्मल जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले देखिए इसके लिए हम क्या करें, देखिए हम क्या करें, सबसे पहले इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें, प्लस इसका एरिया निकाल लें, प्लस में इसका एरिया, मतलब एक बार टोटल एरिया को निकाल लें और माइनस इसका एरिया, माइनस इसका एरिया कर दें। ये जो दिखाई दे रहा है, हम क्या करें, यहां पे देखिए इसका पूरा, ये इस कर्व को निकालना है,
इस यहां से लेकर यहां तक इस एरिया को निकाल रहे हैं, तो पहले इसका एरिया निकाल लें और इसका एरिया निकाल लें, प्लस इसका एरिया, सॉरी ये इसका एरिया निकाल लें, प्लस इसका एरिया निकाल लें, अब माइनस में ये एरिया कर दें और ये एरिया कर दें, तो ये क्या हमें निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? एक बार सभी लोग बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं डियर, सभी लोग कमेंट करके बताएं कि क्या ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो हमें केवल इस एरिया को निकालना है, शेडेड एरिया को निकालना है। सभी लोग कमेंट करके बताएं शेडेड एरिया को निकालने के लिए। अब यहां पे नीचे हम कुछ पॉइंट ले लें, इसको ए है तो इसको ए डैश ले रहे हैं, यहां पे सीवन था, यहां पे सीवन था तो यहां पे हम लोग ले लें सीवन डैश, यहां पे सी था तो यहां पे ये हम लोग ले लें सीवन डैश, ये सी डैश, और यहां पे हम लोग ले लें सी टू डैश, और ये बी था तो इस पॉइंट पे हम लोग ले लें बी डैश। ये सारे पॉइंट हमने नामकरण कर दिए हैं, ये सारे पॉइंट हमने क्या कर दिया, नॉमन क्लेचर कर दिए हैं, सारे पॉइंट का हमने क्या कर दिया, नामकरण कर दिया है। हाँ, उमेश पाल अभी जुड़ रहे हैं, गुड इवनिंग सर। विजय सरोज कह रहे हैं यस सर समझ आ गया है। उमेश पाल जी सर समझ आ गया। सत्या 87 यस सर समझ आ गया। चलिए अब यहां तक अगर आप लोगों को समझ आ गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम निकालते हैं पहले एरिया। अब हम ये वर्क डन जो निकालने चल रहे हैं, पहले हम क्या निकालें, एरिया अंडर, अच्छा देखिए ए बी सी वन डी इतना निकाल लें, ए बी सी वन डी एरिया, ए बी सी वन डी, क्या ये समझ पा रहे हैं, ए बी सी वन डी ये समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए ए बी सी वन डी, अब निकालने के लिए इस एरिया को निकालने के लिए इसको निकालिए, इसको निकालिए, माइनस कर दीजिए तो ये एक्चुअल का एरिया निकल जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या सभी लोगों को समझ आ रहा है, सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, निकाल पाएंगे कि इसको निकाला जाए इस एरिया को? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं कितने लोग निकाल पाएंगे इसको। सभी लोग कमेंट करके बताएं डियर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। निकल जाएगा सर, सचिन आईआरटी प्रयाग करें, निकल जाएगा। चलिए देखिए निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं ये टोटल, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर दें, इसका एरिया निकाल लें, ये टोटल एरिया हमारा क्या हो जाएगा ए वन। देखिए यहां से अगर हम इस एरिया को निकालना चाहें ए वन डैश डी सी वन इंटू सी वन डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा ए वन डैश, या यहां से निकाल लें ए वन, हम यहां पे एक पॉइंट ले ले रहे हैं ए वन डैश डी सी वन इंटू सी वन, सी वन डैश डी सी वन डैश इंटू सी वन, ए वन डैश डी सी वन इंटू सी वन डैश, है ना। प्लस में इस एरिया की बात कर ले रहे हैं सी वन डैश इंटू सी वन, सी वन डैश सी वन बी बी डैश, सी
वन डैश इंटू सी, देखो सी वन डैश सी वन इंटू यहां से लेके यहां गए, फिर ये गए, फिर ये गए, फिर ये क्या हो जाएगा b इंटू बी डैश, माइनस में, माइनस में इस एरिया को आप माइनस करिए, इस एरिया को माइनस करेंगे। अच्छा अभी रुकिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे इसको ले रहे हैं ए डी सी वन, और यहां पे हम लोग ले रहे हैं सी वन डैश, यहां पे ले ले रहे हैं, इसको हम ए डैश ए वन की जगह हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे हम लोग ए ले लेंगे। अब इस एरिया को माइनस कर दीजिए, ए बी बी वन डैश ए वन डैश, या अगर पहले हमने इतना पूरा ले लिया तो माइनस में इतना कर दीजिए, तो भी आपका चल जाएगा। अगर हमने यहाँ पे ए वन डैश ले रखा है, देखिए हमने पूरा ये एरिया ले रखा है, तो माइनस के इतना कर दीजिए, जब इतना करेंगे तो बी वन डैश सी वन डैश, बी वन बी वन डैश सी वन डैश। अब ये चीज आपका निकल गया, देखो ये पूरा निकल गया और ये पूरा निकल गया, माइनस में ये हमने कर दिया, तो ये एक्चुअल का ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या हो गया एरिया अंडर पीवी कर्व। अब इस पे हम लोग जब देखेंगे तो ए डी सी वन सी वन डैश, यहां की जब बात करेंगे, यहां से लेकर यहां तक, यदि इसका प्रेशर इनलेट पे पी वन हो और इसका पी टू हो, और इस पे वॉल्यूम हमारा क्या हो जाए, यहां पे जो वॉल्यूम हमारा क्या था, देखो पी वन प्रेशर था, पी टू था, और वॉल्यूम बी वन और बी टू था, तो यहां पे जो आपका निकल के आएगा, कर मैं अपने यहां से कमेंट डिलीट का कर देता हूं सर, आपके यहां डिलीट दिखता है। सत्या, क्यों डिलीट क्यों करते हैं सत्या जी, ऐसा क्यों डिलीट करते हैं आप, एक बार आप बताएं डिलीट क्यों करते हैं, रीजन क्या है डिलीट करने का। चलिए अब यहां पे देखिए इसकी बात करेंगे, तो इस समय देखिए ये वॉल्यूम यहां पे हमने क्या लिया था V1, और यहां पर ये वॉल्यूम हमने क्या लिया था V2 लिया था। तो यहां से देखिए यदि हम V2 into प्रेशर P2, ये टोटल प्रेशर P2 into V2, लेंथ into विड्थ, विड्थ आपकी क्या है यहां से लेके यहां तक, विड्थ आपकी यहां से लेके यहां तक कितनी है V2 है, और हाइट इसकी यहां से लेके यहां तक कितनी है P2 है। तो अगर इसकी एरिया की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा P2 into V2 प्लस में, प्लस में, अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, तो इसकी लेंथ देखो यहां पे आपका प्रेशर कितना हो जाएगा P1, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा, प्रेशर P1। कन्हैया लाल पटेल गुड इवनिंग सर, चलिए वेरी गुड इवनिंग, है ना। सचिन प्रयाग आईआरटी आइसोथर्मल, हाँ हाँ वेरी नाइस, निकाल लिए हैं, चलिए इसकी बात करेंगे तो ये आपका आइसोथर्मल है, तो ये आपका हो जाएगा 2.3 P1 V1 log V1 upon V2 माइनस, इसकी बात करेंगे तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर P1 होगा और वॉल्यूम क्या होगा V1 होगा, माइनस के P1 into V1। रेक्टेंगल के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा P1 into यहाँ से क्या हो जाएगा V1, ये वॉल्यूम हमने क्या ले रखा है V1 ले रखा है, ये आपका हो जाएगा यहां से P2 V2 प्लस 2.3 P1 V1, या सॉरी ये 2.3 P2 V2 होगा, P2 V2 log V1 upon V2, P2 V2 log V1 upon V2। अब इसको हम फार्मूले में लगा देंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। अब P1 V1 बराबर P2 V2 जब हम लोग जानते हैं, तो यहां से इसको हम कर देंगे P2 V2 प्लस 2.3 P1 P2 V2 P1 V1 कर देंगे log V1 upon V2 minus P1 V1, ये कर देंगे, और इसको हम बना देंगे इक्वेशन वन, इसको बना देंगे इक्वेशन वन। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं वर्क डन फॉर, वर्क डन फॉर इसके लिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक पीवी पावर एन, है ना। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस,
चलिए वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस निकालने चल रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसको हटाते हैं। वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अच्छा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ये कौन सा एरिया हम लोग लेंगे, देखो यहां से आप देखिए इसकी बात करें ए डी सी, ये पॉलीट्रॉपिक वाला ये ग्राफ जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी डी, आप ऐसे भी ले सकते हैं ए बी सी डी। तो हम लोग ले लेंगे एरिया ए बी सी डी, ये हमारा क्या हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी। अच्छा ए बी सी डी जब निकालना होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू, जब देखिए ए बी सी डी निकालना होगा तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे इस पॉइंट से ए डैश सी डैश सी डी, ए डैश सी डैश सी डी, ये हम लोग निकाल लेंगे ए डैश सी डैश सी डी, प्लस में हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे। देखो जब हमने इसको निकाल लिया है तो इसको निकालेंगे सी डैश बी डैश बी इंटू, अब यहां पे एक पॉइंट हम लोग मान लेंगे, कुछ भी एक पॉइंट मान लेंगे है ना, क्योंकि हमने क्या निकाल रखा है इसका हमने निकाल लिया, ये हमने एरिया निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे इसका एरिया निकाल लेंगे, या हम चाहें तो आप यहां से इस सी डैश को यहां पे एज्यूम कर लीजिए और इसका एरिया निकाल लीजिए प्लस इसका एरिया निकाल लीजिए माइनस में कर दीजिए इसके एरिया को, तो आपको निकल जाएगा। तो पहले चलिए ये निकाल लीजिए सी डैश सी बी बी डैश सी सी डैश सी बी बी डैश, माइनस में क्या करिए इस पूरे एरिया को माइनस कर दीजिए, कौन सा एरिया है ए डैश ए बी बी डैश ए डैश ए बी बी डैश। अब चूंकि इसकी बात करेंगे तो देखिए यहां पे आपका कैसा है, ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल आपका क्या हो जाएगा इसका प्रेशर P2 है और वॉल्यूम यहां पे हम क्या ले लेंगे इस समय इसका वॉल्यूम यहां तक हम लोग ले लेंगे V2, इसका वॉल्यूम हम लोग यहां पे क्या ले लेंगे V2 ले लेंगे। सर 11:40 AM पर पता चला क्लास आज चल रही है, लिंक शेयर कर दिया, अरे बिल्कुल लिंक शेयर कर देंगे, चलिए बिल्कुल आज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया डियर अभिषेक पाल को, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बता देना सर जी, चलिए चलिए बता देंगे है ना, बता देंगे परेशान ना होइए। चलिए यहां पे देखिए ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहां से यहां तक P2 और वॉल्यूम आपके यहां पे हमने क्या ले लिया है V2 ले लिया है, P2 वॉल्यूम V2 ले लिया है, और अगर हम बात करेंगे इसकी बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रेशर यहाँ पे क्या होगा P1 into volume V1, प्रेशर P1, देखो प्रेशर ये P1 है और वॉल्यूम कितना है V1 है, तो P1 V1 ये क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा P2 V2। अच्छा प्लस में अभी इसको छोड़िए, यहाँ देखिए माइनस P1 V1 रहेगा। अब ये जो आपका है ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका है कैसा प्रोसेस हो रहा है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस यानी कि पीवी की पावर एन इज इक्वल टू जो कांस्टेंट हम लोग पढ़ते थे उसके लिए यहां पे देखेंगे, पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन अपॉन एन माइनस वन पी वन बी वन। तो ये आपका ये जो वर्क डन निकलेगा ये वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस निकल जाएगा, इसको और सॉल्व कर लेंगे। ये जो वर्क देखो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आपका क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जब एरिया अंडर कर्व देखेंगे तो ये आपका होता है, हम लोगों ने वहां पे डेरिवेशंस में सॉल्व कर रखा है तो वहां से आप सॉल्व करके जाके देख लेंगे पी टू बी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन एन माइनस वन, एन आपका क्या होता है एक पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है। अब यहां से और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए एन को हम लोग क्या ले लें नीचे कॉमन ले लें, तो यहां पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा पी टू बी टू एन माइनस वन प्लस पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन, देखो ये अब कॉमन ले लेंगे यहां पे
जब हम n माइनस वन कॉमन लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, माइनस में इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा पी वन बी वन एन माइनस वन। अब इन सबको अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई n के साथ होगा पी टू वी टू एन माइनस में पी टू वी टू, क्योंकि वन का मल्टीप्लाई होगा माइनस में तो वही होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस में पी टू वी टू माइनस में पी वन वी वन अपनी जगह रहेगा माइनस में, अच्छा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा पी वन वी वन इंटू एन, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी वन वी वन। अब क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ से देखिए पी टू वी टू माइनस में है, पी टू वी टू प्लस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पी वन वी वन माइनस में है, पी वन वी वन प्लस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में ये आपका रहेगा एन माइनस वन। तो यहां से बचा क्या, ये जो वर्क डन है आपका क्या बचा, पी टू वी टू माइनस पी वन बी वन एन, एन यहाँ पे भी है एन यहाँ पे भी है तो एन कॉमन ले लीजिए, तो एन पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन अपॉन एन माइनस वन। अब इस तरीके से ये आपका बचा। अब ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर हम एन का क्या कर दें, डिवाइड कर दें ऊपर नीचे दोनों तरफ, सर सर सी डैश रिपीट कर दीजिए। क्या अभी अभी कुछ डाउट लग रहा है आप लोगों को, क्या किसी को डाउट लग रहा है, अगर देखिए यहाँ पे देखिए इसको हमें निकालना होगा तो हमने क्या किया, देखो इस कर्व के लिए हमने पूरा ये एरिया पहले ले लिया, इस एरिया को ले लिया, साथ में हमने क्या किया इस एरिया को ले लिया, यहाँ से लेकर इस एरिया को हमने ले लिया। इसके लिए जब हम बात करेंगे तो ये एरिया हमने लिया है, देखिए दूसरे में हमने क्या किया इस एरिया को ले लिया, ये पूरा पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए जब ये वाला एरिया समझिए यहां से लेकर यहां तक इस एरिया को हमने कंसीडर कर दिया, किसकी बात कर रहे हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा बड़ा वाला रेक्टेंगल ले लिया प्लस ये पूरा का पूरा ये ले लिया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बड़ा वाला रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, देखिए ए डैश यहाँ पे क्या था ए डैश, यहाँ पे क्या था डी और यहाँ पे क्या था सी और यहाँ पे क्या था सी डैश, प्लस में इस एरिया को ऐड करिए सी डैश सी बी बी डैश सी डैश सी सी डैश सी बी बी डैश माइनस में, देखो अब माइनस में इस एरिया को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो इस एरिया को माइनस कर देंगे तो यहां पे देखिए ऐसे ही तो कर रहे हैं, देखिए आप यहां पे देखिए ये मान लीजिए पीबी कर्व हो गया और ये आपका हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब यहां से देखिए ये प्रेशर हो गया पी टू और ये हो गया पी वन वॉल्यूम बी वन और यहां पे वॉल्यूम बी टू, अभी हमने ले लिया ये पॉइंट था ए ये पॉइंट था बी ये पॉइंट था सी ये पॉइंट था डी, तो अब हमने जो निकालना था ये हमने क्या निकालना था, देखिए इस एरिया को ये पूरा का पूरा इस एरिया को निकालना था, एरिया अंडर पीबी हमारा क्या है ये है, एरिया अंडर पीबी मतलब ए बी सी डी निकालना था, ए बी सी डी निकालना था, तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया एरिया यहाँ पे ए डैश डी डैश ए डैश डी सी और यहाँ पे सी डैश ले लिया है, ये हो जाएगा ए डैश डी सी सी डैश, ये इस रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, प्लस में इसका एरिया निकाल लो सी डैश सी सी डैश सी बी बी डैश, देखिए सी डैश सी बी बी डैश यहाँ पे क्या ले लिए हैं बी डैश ले लिए हैं, माइनस में इतना एरिया माइनस कर दीजिए
इतना एरिया क्या करिए माइनस कर दीजिए, जब इतना माइनस कर देंगे तो एग्जैक्ट एरिया निकल जाएगा। माइनस क्या करेंगे, ए डैस ए बी बी डैस, ए डैस ए बी बी डैस। अब इतना माइनस करेंगे तो अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या था ए डैश टी, इसकी जो वैल्यू देखते थे तो इसकी वैल्यू कितनी, यहाँ इस एक्सिस में पी टू के बराबर और इस एक्सिस में ये वी टू यहाँ पे हमने ले रखा था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पी टू वी टू। माइनस में यदि हम इस पूरे प्रोसेस की बात करते थे, इस पूरे प्रोसेस की बात करते थे तो जो हमारा आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होता था ये होता था पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन एन माइनस वन। अब माइनस में जब करते थे ये प्लस था, माइनस में जब करते थे ए डैश ए बी बी डैश, यहां से यहां तक प्रेशर पी वन था और वॉल्यूम कितना था वी वन था, ये क्या हो जाएगा पी वन वी वन। अब इसी को सॉल्व कर रहे हैं और इसी को सॉल्व करके हमारा क्या हो रहा है आंसर आ रहा है। अभी समझ आया सी डैश उसको मत समझिए, यहाँ पे ये जो हमने सी डैश लिया इसको मत समझिए, यहाँ पे इसको हटाइए, नीचे से आप समझिए, ठीक है। अब समझ आया आप लोगों को, एक बार कमेंट करके बताएं सर इसका टी एस डायग्राम भी है क्या। अरे राज सिंह ये क्या कर रहे हैं, गलत बात है ना, मेरी तरफ से तो थैंक यू बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं देख रहे हैं, है ना। राज सिंह ने तो अब ऐसा ऑप्शन हुआ है डियर, ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप परेशान ना हो, आप इतना सपोर्ट करें इतना अप्रिसिएट करें यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए जो स्पेशल थैंक्स का बटन है उसका यूज अभी ना करिए आप लोग प्लीज, चलिए अब हम आपको तो थैंक यू बोलेंगे लेकिन आप सपोर्ट करें यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। थैंक यू राज जी। चलिए लव फ्रॉम सलोरी सर जी, हाँ हाँ बिल्कुल, अरे ये आप तो आईआरटी में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के, आपको कौन नहीं जानता। चलिए यहां तक समझ आया, अब देखिए ये जो हमने सॉल्व किया यहां पे कहां गया, ये जो हमने सॉल्व किया इसको हम कर सकते हैं n अपॉन n माइनस वन और ब्रैकेट में क्या बचेगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। क्या यहां तक समझ आया, ये जो वर्क डन निकलेगा n अपॉन n माइनस वन पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, एक बार कमेंट करके बताएं यहां तक आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। अभिषेक अभी कुमार कह रहे हैं यस सर समझ आ गया, चलिए और अजीत जी लोग भी बताएं, अभी और लोग भी जितने लोग हैं सब लोग बताएं यहां तक समझ आया आप लोगों को नहीं आया। आप चाहें तो इसमें गुरुजी थैंक्स आपके कामयाबी पे देते हैं बच्चे, इसे आप रोकिए मत, जिसका मन है वो दे सकते हैं, तिवारी जी करें। ओह चलिए अच्छा कोई नहीं, थैंक यू तिवारी जी, है ना। चलिए हमें थोड़ा सा और लग रहा था, देखिए यहाँ पे देखिए एन अपॉन एन माइनस वन पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन, अगर हम पी वन बी वन कॉमन ले लें इसमें, यहां से अगर हम पी वन बी वन कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा एन अपॉन एन माइनस वन, यहाँ पे पी वन बी वन अगर हम बाहर ले लें, पी वन बी वन बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा वन माइनस पी टू बी टू अपॉन पी वन बी वन, ये बचेगा वन माइनस पी टू बी टू अपॉन पी वन बी वन। क्या ये समझ आ रहा है आप लोगों को, एक बार कमेंट करके बताएं यहां तक आप लोगों को समझ आ रहा है। यदि ये वाला प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो आइसेंट्रॉपिक वाला तो आसान है। यहां तक समझ आया वर्क डन जो हम लोग निकाल रहे हैं, हमने पी वन बी वन को क्या कर दिया है कॉमन ले लिया है, अब चूंकि हम जानते हैं कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और जब इसको हम देखते हैं तो पी वन वी वन के पावर सॉरी पी वी पावर एन पी वन वी वन के पावर एन इज इक्वल टू पी टू वी टू के पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो यहां से देखें हमें पी टू अपॉन पी वन दिखाई दे रहा, हम क्या कर दें पी वन अपॉन पी टू अगर निकालना चाहें तो हो जाएगा वी टू अपॉन वी वन के पावर एन, और अगर हम इसको कर दें उल्टा पी टू अपॉन पी वन कर दें तो हो जाएगा वी वन अपॉन वी टू के पावर वन अपॉन एन। क्या ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पी वन पी टू अपॉन पी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन। यहां तक समझ आ रहा है, इसको हम यहीं से भी उल्टा कर सकते थे,
यहां से भी हम उल्टा कर सकते थे, वी टू अपॉन वी वन अगर हम निकाल लें तो ये एन इधर चला जाएगा, पी वन अपॉन पी टू की पावर वन बाई एन हो जाएगा, पी वन अपॉन पी टू पावर वन बाई एन, यहां से भी ये हमारा हो सकता है। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? हम बी टू अपॉन बी वन की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें, ये मान लें इक्वेशन वन, और यहाँ पे यदि इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर एन अपॉन एन माइनस वन पी वन बी वन वन माइनस, देखिए हम किसकी वैल्यू रखने चले, पी टू अपॉन पी वन अपनी जगह रहने दीजिए, पी टू अपॉन पी वन अपनी जगह रहने दीजिए, इंटू में पी टू अपॉन पी वन इंटू में अब हम रखने चल रहे हैं वी टू अपॉन वी वन की जगह पी टू अपॉन पी वन, पी टू अपॉन पी वन के पावर वन अपॉन एन, ये हम रखने चल रहे हैं इस तरीके से। अब जब इसको हम रख देंगे तो देखिए पी टू अपॉन पी वन की पावर आपको वन दिखाई दे रहा है, सॉरी पी टू अपॉन पी वन, और यहाँ पे ये क्या था, पी वन अपॉन पी टू था, ये था पी वन अपॉन पी टू था, ये पी वन अपॉन पी टू था। इसको जब करेंगे तो पावर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब जाएगा तो वन बाई माइनस वन दिखाई देगा, जब इसको पी वन अपॉन पी टू करेंगे तो इसके पावर क्या दिखाई देगा, माइनस वन दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, यहां तक दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। सभी लोग कमेंट करके बताएं, अब देखिए ये आप इसको जितना सिंप्लीफाई करते जाएंगे उतना सिंप्लीफाई ये होता चला जाएगा, ये आप इसको जितना सिंप्लीफाई करते जाएंगे ये उतना सिंप्लीफाई, ये आपका क्या था पी वन वी वन था, वन माइनस पी टू अपॉन पी वन के पावर आपका वन दिखाई दे रहा है, यहाँ पी वन अपॉन पी टू पावर वन बाई एन दिखाई दे रहा है, यहाँ पी टू अपॉन पी वन पावर क्या दिखाई दे रहा है, वन दिखाई दे रहा है। तो आप इसको उल्टा कर दिए पी वन अपॉन पी टू, तो ये आप इसके साथ क्या करेंगे, पी वन अपॉन पी टू पावर में क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, एड हो जाएगा। कमेंट करके बताएं यहाँ पे ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं आप लोगों को? अच्छा हमने जो है एक चीज समझिएगा, यहां से P1 एक चीज समझिएगा, यदि हम इसमें से P1 B1 बाहर लेंगे तो P2 B2 माइनस वन होगा, हमने उल्टा कर दिया है, यहाँ से जब हम करेंगे तो ये जो हम वन माइनस कर रहे हैं ये माइनस इधर होगा, ये क्या हो जाएगा P2 B2 आपका इस तरीके से हो जाएगा अपॉन P1 B1 माइनस वन, ऐसा होगा इस तरीके से, देखिएगा ये मिस्टेक था, ये आपका हो जाएगा P2 V2 अपॉन P1 B1 माइनस वन, ये यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा, जब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तब आप देखिएगा, आप वैल्यू आप वही रखिएगा, आप वैल्यू वही रखिएगा जो अभी हमने रखा है, ये यहाँ पे पूरी वैल्यू आप इसको पुट करिएगा और कोई चेंजिंग नहीं है, बस केवल इतना कर लीजिएगा, ये आपका यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, देन आप इसकी जगह पर रख दीजिएगा, ये आपकी वैल्यू पूरी सॉल्व हो जाएगी, इसको कर लेंगे। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? चलिए अब देखिए, एक्चुअल में चलिए हम कंप्रेसर वाले टॉपिक को नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, और यहां तक डेरिवेशन को आप करके रखिए, हम क्या करेंगे इस डेरिवेशन को अगेन दोबारा रिपीट करेंगे और आपको पूरा अच्छे से सॉल्व कराएंगे, और साथ में कम समय में पूरे पूरे डेरिवेशन को सॉल्व कराएंगे, और इसके साथ न्यूमेरिकल भी प्लान किए हुए हैं, न्यूमेरिकल सीरीज भी आगे पड़ी हुई है। तो अगली क्लास में कल हम प्रॉमिस करते हैं, कल शाम को 10:30 बजे आप हमारे साथ जुड़िए, और आप जब जुड़ेंगे तो आपको न्यूनतम समय में हम आपको क्या करेंगे, इससे रिलेटेड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का डेरिवेशन भी कराएंगे और साथ में आपका रोटरी कंप्रेसर भी कंप्लीट कराएंगे, और कुछ न्यूमेरिकल भी हमारे हैं, कल हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, कल फाइनली हमारा कंप्रेसर कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी, अब एक्चुअली क्या है कि इसको हम और आगे करते लेकिन कुछ मुझे भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे, और इसके आगे का जो स्टेप है हम उसको कंप्लीट करेंगे, है ना।
कुछ प्रॉब्लम्स हमें उल्टा फील हो रही है, तो हो सकता है उसी वजह से शायद ये प्रॉब्लम ये पूरा सही से सोल्यूशन हो नहीं पा रहा, क्योंकि माइनस वन यहाँ रखना था हमने यहाँ कर दिया, तो मुझे हो सकता है थोड़ा सा तबीयत भी उलझन में लग रहा है। कोई नहीं, हम इसको क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से आपको सॉल्व करेंगे, और सीधे हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम हेडिंग क्या डालेंगे, वर्क डन फॉर एयर कंप्रेसर, सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर, और यहां से आपको कंप्लीट सॉल्व कराएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आपको अगर आपका अगर यहां पे थोड़ा सा टाइम आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा आपका वेस्ट हुआ हो, क्योंकि डेरिवेशन हमने काफी टाइम ले लिया, और टाइम लिया ऐसा नहीं, डेरिवेशन हम करते हैं किए हैं शानदार तरीके से करते हैं, बस कुछ उलझने हैं थोड़ा सा हो सकता है उस वजह से हेडेज आज सुबह से सर में पेन रहा था। तो चलिए कोई नहीं, उसको हम क्या करेंगे कल प्रॉमिस करते हैं, और आपको समय से पहले 10:30 बजे जब आप जुड़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन हम कंप्लीट कराएंगे दिए गए समय में। इसका डेरिवेशन करेंगे, इसके बाद हम लोग मतलब डबल स्टेज का हम लोग देख लेंगे, जिसे हम बोलते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, वहां पे देखेंगे उसका इंटरकूलिंग सिस्टम देखेंगे, और इंटरकूलिंग सिस्टम के बाद रोटरी कंप्रेसर हम लोग स्टार्ट करेंगे, रोटरी कंप्रेसर के कंपोनेंट देखेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी चार चेक कर लेंगे। कल आपका 100% कंप्रेसर कंप्लीट कर देंगे, और परसों की जो हमारी क्लास लगेगी कंप्रेसर के बाद हम लोग लगा देंगे गैस टरबाइन कंप्लीट करके उसके एक नेक्स्ट क्लास हम लोग ले लेंगे नॉजल का। आज भी हमने प्लान किया हुआ था कि पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे, बट अभी थोड़ी सी कुछ हमें फिजिकली प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो परसों हम लोग क्या करेंगे नॉजल कंप्लीट कर लेंगे, और नॉजल के साथ फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका नॉजल के बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग आरएसी का प्लान कर लेंगे। तो हमारी पूरी की पूरी कोशिश है, आज 16 तारीख है, लगभग 21 से 22 जनवरी के बीच में हम सिलेबस को क्या करेंगे एंड करेंगे, है ना। ये हमारी कोशिश है कि इस दिए गए प्रॉमिटेड टाइम पे हम आपको सिलेबस एंड करके देंगे, ये हमारी कोशिश है और हमारा प्रॉमिस है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को लगातार शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इस तरीके से अपने प्यार को ऐसे बनाए रखिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस क्लास को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, इस आप सभी को थैंक यू, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।